क्या वकील, भाई को कब छोड़ेंगे? अरे भाई छोड़ देंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। चलिए भैया घर चले। मैं अभी नहीं आऊंगा। क्यों? पंडित की बेटी को अगवा करने गया तब ठाकुर ने गांव के सामने मेरी बेइज्जती की, जिसका बदला मैं उसकी बेटी को अगवा करके लूंगा। भैया ये बदले का वक्त नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखिए। उसकी वजह से मैं दिन रात इस जेल में सड़ा हूँ, उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा मैं। उसको संभालिए। चल जा भैया। भैया ठाकुर साहब, देवा का छोटा भाई अभी अभी जेल से छूटा है, वो गुस्से में था, आपकी बेटी को अगवा करने वाला है। तुरंत गाड़ियां निकालो। पीछा करो। मेरी बेटी को मारने वाला था, मैं इसे खत्म कर दूंगा। कर, ये मेरा शिकार है, आज ये मेरे हाथों ही मरेगा। अरे तू क्या मारेगा, दिव्या मेरा खून है, इसे मैं मारूंगा। बकवास मत कर, दिव्या पे गंदी नजर डालने वाले की आंखें निकाल कर रख दूंगा मैं, तू जा यहाँ से। तुम डायलॉग बाजी करते रहो, काम को अंजाम मैंने दे दिया। जिस ठाकुर ने भैया की जान ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा उसे। अगर उसको मार दोगे तो उसका परिवार सिर्फ एक दिन के लिए रोएगा, उसकी जान जिसके अंदर बसती है उसको अगर मार डालो तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। उस भूपेंद्र ठाकुर की बेटी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढ निकालो। अरे दिव्या, इतना बाहर मत झुको, गिर जाओगी। ये हरियाली कितनी खूबसूरत है, देखो ये हरे भरे खेत, यहाँ की हवा, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। देखो तो, गांव की तो बात ही अलग है। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ लड़कों पे मरती हैं और तुम कुदरत पर जान लुटा रही हो। दिव्या, हाँ कोई तुम्हें फोन कर रहा है। शुक्रिया। कहाँ पहुँची बेटा? मैं बस स्टेशन पहुँचने ही वाली हूँ। मैं और तुम्हारे चाचा 10 मिनट में तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ रहे हैं। आप क्यों आ रहे हैं, मैं खुद भी तो आ सकती हूँ। तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए गुड़िया। एक सेकंड। पापा एक मिनट के लिए होल्ड करना। अच्छा। हेलो मामा। गाड़ी वक्त पर है ना बेटा? एकदम सही वक्त। तुम्हें लेने के लिए हम स्टेशन आ गए हैं। आप भी आ गए? मतलब तेरा बाप? नहीं नहीं नहीं, तो मेरी बात सुनो बेटा, वो भूपेंद्र तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, लेकिन तुम उसके साथ नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी। हाँ ठीक है, अब मैं पहुँच के बात करती हूँ। हाँ कहिए पापा। हाँ बेटा क्या हुआ, उस बल्ली ने फोन किया था क्या? अरे नहीं तो। ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब क्या बताऊँ यार, एक तरफ मेरे पापा है और दूसरी तरफ मामा, और इन दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। भैया इन लोगों को मांगने के अलावा कुछ आता भी है क्या? अरे तुम छोड़ो ना, सूरत पे ही मांगीलाल लिखा है। भैया यहाँ इतने लोग जमा हो गए हैं, लगता है कि इसे जिला घोषित कर दें। तो जानते नहीं कि दिव्या तो हमारे साथ आएगी, इनके साथ नहीं। आपने भैया, हम इन्हें दिव्या को लेके नहीं जाने देंगे। तुम चिंता मत करो, दिव्या सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ चलेगी।
आ जाओ बेटा। हाय। खड़ी क्यों हो? चलो। उसके साथ नहीं, मेरे साथ चलो। कोर्ट का हुक्म याद है ना, दिव्या हमारे पास ही रहेगी। महीने में सिर्फ एक बार तुम इससे मिल सकते हो। महीने में एक दिन मिल सकता हूँ तो वो दिन आज का ही होगा। मैंने इसके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे पर तुम्हारा नाम सुन के सारे भाग जाते हैं। ये अपने बाप के साथ ही जाएगी। चलो बेटा। क्या चलो, पैदा करने से ही कोई बाप नहीं बन जाता। जो भी रिश्ते आते हैं हमारे घर भेजो, इसकी माँ और इसका मामा यानी मैं पसंद करूँगा। तुम अपनी पसंद अपने पास ही रखो, समझ गए? ये मेरी बेटी है, इसके जीवन के सारे निर्णय सिर्फ मैं लूंगा। तुम निकलो। जब ये पेट में थी तब तो इसकी परवाह नहीं की, अब जब ये बड़ी हो गई है तब भाइयों को लेकर हक जताने के लिए आ गया है। निकल अपने भाइयों को लेकर। मेरी चिंता छोड़ और यहाँ से निकल जा अपनी बहनों को लेकर। मुझे दिया हुआ धोखा तू भूल गया है लेकिन भूपेंद्र वो आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, अपनी बहनों को लेकर चुपचाप निकल जा यहाँ से। चल बेटी। हाथ छोड़, ये सिर्फ मेरे साथ जाएगी। इसका हाथ छोड़ वरना यहीं गाड़ दूंगा तुझे। इसके लिए जान देने को मेरे साथ सबकी जान जाएगी। छोड़ दे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, बहुत हो गया। सब लोग छुट्टियों में घर जाने के लिए इंतजार करते हैं और मैं हॉस्टल में ही रहना पसंद करती हूँ। आप दोनों की वजह से, आप दोनों की दुश्मनी की वजह से। आप दोनों को जो करना है करो, लड़ो झगड़ो मार डालो, पर प्लीज मुझे बख्श दो, मैं थक चुकी हूँ। प्लीज पापा, आप मेरी शादी करवाना चाहते हो ना? आप जिसके साथ भी कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है, तब तक मैं मामा के घर पर रहूंगी। चलिए जाने दो, आज नहीं तो कल ये अपने बाप के पास ही आएगी। इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। लड़का कैसा होना चाहिए? चमचमाती तलवार की धार जैसा, जो दुश्मन की छाती पर पैर रखकर शेर की तरह दहाड़े, जिस जगह पर भी उसके कदम पड़े वहां खुशियां छा जाएं। बॉस की आज छुट्टी है क्या? संडे के दिन भी बॉस ने मुझसे कितना काम करवाया, पूरा दिन खराब कर दिया। अपना बॉस इतना खड़ूस है कि कोई सिंगल पसली से भी योगा करवा ले। कुछ भी करवा ले, मैं पोल डांस नहीं करूंगा। तू नहीं। अरे बॉस आ गए। अरे यार, गुड मॉर्निंग सर। लगता है रात को ड्रिंक्स कुछ ज्यादा हो गई। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीता और रात को 10 बजते ही मैं सो जाता हूँ। तुम झूठ बोल सकते हो पर पब का टैग झूठ नहीं बोलेगा। कितना हुआ? 500 यूरो। बिल नहीं पूछ रहा हूँ, समय। सुबह के 4। मिस्टर जॉर्ज, मुझे काम ध्यान से करने वाले लोग पसंद है, काम के वक्त सोने वाले लोग नहीं। घर जाके सो जाइए। शुक्रिया सर। और आज की पगार कट। सर हो गया नुकसान। और तुम तीनों की पगार भी कट। सर इसको पीछे भी आंखें हैं क्या? हमारा नुकसान नहीं होगा, हमें तो दिखा ही नहीं। मिस्टर सत्यम। सर। जी सर। हाँ तो बताइए आपके प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है? इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऐसे अपडेट नहीं दे सकते, अभ्यास करना पड़ता है। क्लाइंट को प्रोजेक्ट समझाने में 15 दिन लग सकते हैं और प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए मुझे 2 महीने लगेंगे। देखा, बोलती बंद हो गई। सही है। रेस का रिजल्ट तुम्हें रेस खत्म होने के बाद पता चलता है, लेकिन मुझे पहले ही पता चल जाता है। क्या बात है सर, इतना ज्ञान कहाँ से आता है? आजकल कोई कछुआ जीतता नहीं है, वो सिर्फ कंपनी शुरू करता है, फिर कोई खरगोश आता है और उसका बॉस बन जाता है। देखते हैं खरगोश कौन है। ये क्लाइंट को भेज दीजिए। क्लाइंट स्वीडन में है सर, वहाँ तक जाने में मुझे 3 हफ्ते लग जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आपको सेब खाना हो तो आप कश्मीर जाएंगे या फल वाले से खरीदेंगे? फल वाले से। तो ये भी वैसी ही बात है, क्लाइंट को मेल कर दीजिए, काम फटाफट हो जाएगा। अपने दिमाग का नहीं तो कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल कर लीजिए। जाइए। हाँ सर। तुम लोगों की बहुत छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए तुम्हारी पगार कट, इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। सर गेट आउट। दिन ब दिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद को हिटलर का बाप समझता है। खाते वक्त किसकी बुराई कर रहे हो? और किसकी, तुम्हारे बेटे की। अब क्या हुआ? कहता है मुझे अकल नहीं है। बात तो उसने ठीक ही कही है। बॉस है इसलिए कंधे पे बिठाया है।
और ऑफिस में तो ऐसा बर्ताव करता है माँ जैसे मैं बहन नहीं उसकी कोई कर्मचारी हूँ। मैं तो कहती हूँ एक नंबर का खड़ूस है वो। पिछले हफ्ते क्लाइंट के घर गया था, ऐसे वक्त फ्रूट्स लेके जाते हैं ना, ये ऑक्सीमीटर ले गया। सौ बात की एक बात, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी खोलूंगा और उसके सारे क्लाइंट छीन लूंगा। कोई टैलेंट दिखाने के लिए उतावला हो रहा है? मेरी हेल्प चाहिए? आगे हिटलर। भूल गए बिजनेस करने चले थे और वहाँ भी नाकाम हो गए थे। और टैलेंट दिखाया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। माँ खाना देना। भैया आज आपका दिन कैसा गया? माँ, ए प्लीज इतना स्वीटली मत बोल, दिल में दर्द होता है। मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे कितनी तारीफ करते हो। और माँ से मेरी शिकायत क्यों करते हो? मैंने माँ की वजह से ही तुम सबको नौकरी पर रखा है, वरना कब का निकाल देता, समझे? पर मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ भैया। सच बताऊँ बहना, कुछ लड़कियाँ हैं जो चांद तक पहुँच गई हैं और कुछ है जो घर का काम संभालती है, तुमसे दोनों ही नहीं होता। देखो ना माँ। माँ कुछ कहना? तुम अपने पापा से ऑफिस में ठीक से पेश आया करो, थोड़ी इज्जत दो। वो घर में मेरे पापा हैं, वहाँ सिर्फ एम्प्लॉई है। पूरा बिजनेस इनका ही है। इनका है? मैं दिन रात मेहनत करके इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ, गेम्स डेवलप करके कंपनी को मुनाफा कमा के दिया है, इनके एक छोटे से बिजनेस को मैंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया है। तो मैं क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, मेरी शादी करवाई। इतनी भी क्या जल्दी है? ये मेरी जिंदगी का प्लान है माँ। शादियाँ प्लानिंग से नहीं होती हैं बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की ढूंढ के रखी होगी। वाओ, हाउ रोमांटिक। वैसे वो मुझे कब मिलेगी? भैया! जैसे धरती और आकाश कभी एक नहीं हो सकते, वैसे आप दोनों भी कभी एक नहीं होंगे, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, पर आप दोनों की ये नफरत कभी कम नहीं होगी, और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं आप दोनों से ही दूर जा रही हूँ। आपकी लाडली दिव्या। हमें हर हाल में दिव्या को ढूंढना होगा। मुझे मेरी बेटी हर हाल में मेरे घर में चाहिए। ये हुई ना बात, वो लड़की दोनों को छोड़कर भाग गई है, उसको पकड़ने का ये अच्छा वक्त है, कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ। इस बार उसको बचाने ना मामा पाएगा ना बाप, बदला लेने का यही सही मौका है। उसके कॉलेज में पता लगाओ, उसके दोस्तों से पूछो, मुझे वो लड़की चाहिए। इंसान हमेशा उलझन में रहता है और ऊपर वाला उसके लिए और उलझनें पैदा कर देता है। उसका ही नतीजा है ये लड़की, जिसका नाम है अनुष्का, जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। इसका मानना है कि वो खुद की तकदीर खुद ही लिखती है, और आज वो ये साबित करेगी कि मर्दों से भरी इस दुनिया में वो उनसे कम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैं आपकी टीम खरीदना चाहती हूँ। पर मैं टीम बेचना नहीं चाहता। मिस्टर जॉनसन, आपने अपनी ये टीम $5 मिलियन में खरीदी है, और मैं आपको इस टीम के लिए दूंगी €20 मिलियन। 20 मिलियन यूरोस नहीं चाहिए। तुम ये टीम खरीद कर क्या करोगी, जब खेल के बारे में जानती ही नहीं हो? तुम बस इस खेल का लुत्फ उठाओ। क्या इनका खेल देख के डर गई? डरूंगी और मैं चुटकियों में हरा दूंगी। तुम? हाँ मैं। मेरे लड़कों के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगी, हराना तो दूर की बात है। और अगर हरा दूं तो? टीम मुफ्त में दे दूंगा। मेरी बात मानी होती तो वो 20 मिलियन यूरोस आज आपके अकाउंट में होते। मुझे चैलेंज करना आपको महंगा पड़ गया। नाउ द टीम इज माइन। इसका नाम है संकट राव, और इसकी पहली खासियत है लोगों के जीवन में संकट पैदा करना, और दूसरी खासियत है बिना पूछे सलाह देना। इस तरह से जीत जाओगे। मैं जीत गया। थैंक यू। इसकी सलाह से कुछ लोगों को फायदा होता है, पर ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। हेलो। ओ माफ करना जी। ये आपने पैसे लगाए? हाँ। इसमें तो एक बिल्डिंग बन जाएगी, और ये पैसे? ये मेरा पैसा है। आपके हैं? ओके। इस नंबर पे मत लगा, मेरे शेयर पे लगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखो, अरे तुम जीत जाओगे, मुझ पे भरोसा करो। ये देखो बन गया, रोल द डाइस, कम ऑन, ये जीत जाएंगे।
एक नंबर है। क्या? मेरा पैसा वापस दे। किस बात के पैसे वापस दूं? जुए में जुआ खेला, हारना तो तुम हार गए। दोनों चीजें तुमने की है, मैंने कुछ नहीं। पैसा दे। गन क्यों निकाली? कितने पैसे देने भाई? 2 मिलियन यूरो। 2 मिलियन? ये 10 की नोटिस में मिलियन ऐड कर लेना। हफ्ते भर में मुझे मेरे पैसे चाहिए। What the hell is this? इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ये पेपर्स आज ही सुबह मिले हैं मैम, और ये लॉकर में पड़े हुए थे। जब इसे देखा तो ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, और इसके मुताबिक आपके डैड की पूरी प्रॉपर्टी तभी आपके नाम हो सकती है जब आप किसी इंडियन से शादी करें, वो भी 1 महीने के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या? मैम आपके पास सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज? मैं तो अपना बर्थडे भी 3 महीने तक मनाती हूँ, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लूँ वो भी 1 ही महीने में? मिस्टर संकट राव, हाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं मैडम, मेरे पे जो आप बीती है वो किसी पे ना बीते। क्यों, क्या हुआ? फ्री की एडवाइस देकर मैं बर्बाद हो गया। वो सब मैं नहीं जानती। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने में मुझे अपने कैलिबर का एक लड़का चाहिए। कैसे ढूंढूंगी मुझे नहीं पता। कोई ऐसा जो मेरे बिजनेस को बढ़ाए। जल्दी ढूंढना शुरू करो। वो 1 हफ्ता, 1 महीना? मर गए रे। देखिए इम्पॉसिबल है, ड्राइवर 2 मिनट में मिल जाता है। मैडम तलाक चाहिए तो 2 दिनों में, और आपको झेलने वाला लड़का मिलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, लड़का जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है। काम 1 महीने में किया तो 1 मिलियन यूरो तुम्हारे। छोड़ो, मैं किसी और से करवा लूंगी। नहीं, मैं कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा। इन 2 दिलों को मिलाने का काम मैं 2 दिन में कर दूंगा। पैसा रेडी रखिए। ओके। सोचिए आपका लाइफ पार्टनर और आपको खुश रखने वाला मिल गया। सो, हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। सर मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो मशहूर संकट राव है। आप कभी भी किसी भी पब में जाइए, ये वहीं पड़ा मिलता है, और तो और बिना पूछे भी मशवरा देता है। Shit. Oh no. Oof. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियां खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 मिलियन मोर लगे हुए गधे। अरे दोस्तों क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो। You guys want to learn? वहां देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा इन बच्चों को, मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 मिलियन देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे? मेरे पैसे दो। संकट राव मत जाओ, वहां संकट है। Excuse me, uncle. आप सीनियर कोच लगते हैं, आप उन 9 सिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? ज़बान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ इसलिए। अरे सर आप तो बहुत पहुंची हुई। अच्छा? चीज है, इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता, 1 नंबर का पप्पू है ये। नहीं वो आदमी हूँ, लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे जाओ, बाएं हाथ से पकड़ो, उंगली इसमें इस तरह डालो, अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो की बाजू, अब हो जाओ पीछे बाजू और देखो खुन्नस से। और ये फूट गया दिवाली। ये क्या किया वालू? तुम हटो पीछे। चार डंडे। Hey मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। इतना पैसा हुआ रे? 20,000 यूरो। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। Hi, I'm Karthik. Anushka. बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट स्पोर्ट्स। हमारी कंपनी 2 लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसी डील बार बार नहीं आएगी। यही है मेरा प्लान। जैसा बिजनेस पार्टनर मुझे चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी मैच होगी। डील मंजूर है। yeah! मिलते हैं। शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? नॉट एट ऑल। आपका होने वाला दूल्हा। नाइस जॉब, मुझे जैसा लड़का चाहिए था।
ये बिल्कुल वैसा ही है। शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। अब जल्द से जल्द मेरी भी नैया पार कर दीजिए। क्या? मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वैसा ही है मैडम। आपकी पसंद इसकी पसंद है, आपकी नापसंद भी इसकी नापसंद है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली है। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? पूरा भरोसा कर सकती है। कोई गलती हुई तो गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा मैडम। जैसा कि वादा किया था। हाँ। ये रहे तुम्हारे 1 मिलियन। 1 मिलियन? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाकी के पैसे जल्दी देना। अरे उसी का जेरोक्स कर ले। 1 मिलियन का चेक एक सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं टिक टिक टिका। तो ये है वो जगह जहाँ हमारी नई कंपनी होगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय कार्तिक, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ अनुष्का, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज अ सरप्राइज। मिलना था तो ऑफिस में मिल सकते थे। मैं बिजनेस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस शादी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा अलायंस की वजह से कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो भी 10 गुना। ऑफर कैसा लगा? I love your idea. आपको आइडिया कैसा लगा अंकल? मुझे तो झटका बहुत जोर का लगा। ये प्रपोजल कोई शादी का है या कोई बिजनेस का? दोनों है। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। US में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम्हारे जीजू संभाल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट संभाल सकती है तुम्हारी बहन, और लंदन में एक गेमिंग की नई कंपनी खोलेंगे जिसे तुम्हारे डैड संभाल सकते हैं। और हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे लगता था ये अकेला सरफिर है, लेकिन ये इसकी भी माँ निकली। हाँ, वही तो। और हाँ, लंदन से महीने में एक बार तो अंकल आंटी से मिलने आ ही सकते हैं। तो माँ लड़की कैसी लगी? बकवास लगी। बट व्हाई? शादी से पहले ही घर तोड़ दिया है इसने। अरे आंटी, दूर रहने में ही प्यार बढ़ता है। ये सही बात बोली तुमने। सोचने लायक है। माँ, शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होगी। अनुष्का, तुम कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो कल ही सगाई निपटा लेते हैं। क्या? और इसी महीने की 15 तारीख को शादी? नो, 15 को बुधवार, वीकेंड पे रखते हैं। मुझे ऑफिस मिस नहीं करना। फैंटास्टिक। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूं। बाय बाय बाय। बेटा, ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। हाँ, कार्तिक की लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए। अगर ये शादी हुई तो ये लड़की हमें डुबा देगी। ये शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? जब भैया कल अनुष्का को अंगूठी पहना रहे होंगे तभी पापा को हार्ट अटैक आ गया तो? अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? आप तो चुप ही रहिए, सिर्फ नाटक करना है ताकि कल सगाई रुक जाए और हमें वक्त मिल जाए शादी तोड़ने का। सही है, क्या बात है। अरे बेटा, ये सारी तुमने मुझसे ही तो पाई है, क्या बात है। शट अप, क्या समझती हो अपने आप को? मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सिर्फ तुम जो बोलोगी वही होगा। शादी तो दूर की बात है, अब तो सगाई भी करनी है या नहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? कहती है सगाई के लिए मैं क्या पहनूंगा, आप लोग क्या पहनेंगे वो डिसाइड करेगी। और तो और, आप लोगों के बारे में भी बुरा बोल रही थी। बस बहुत हुआ, उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए ये शादी रोकनी होगी। कल ही 10 का रिचार्ज करवाया। क्या बात है, शादी तोड़ने के लिए इतना इंटरेस्ट? वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार है। बिल्कुल सही, कल अगर तुम कंगाल हो गए तो तुम्हें ही छोड़ के चली जाएगी ना। तुम्हारे लिए मैं अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तुम सगाई तोड़ दो। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो हम उसकी अकल ठिकाने नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब कल सबके सामने ठीक रिंग पहनाने के मौके पर सभी मेहमानों के सामने जब मैं उसे मना कर दूंगा तो उसकी अकल चूर हो जाएगी। फुल पावर, मैं भी यही आइडिया देने वाला। बला टली, अब हार्ट अटैक के एक्टिंग की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही सुलझ जाएगा। बच गए। कौन सा क्रीम लगाती हो? लगता है बहुत लोगों को बुलाया है। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उसकी उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसकी इंसल्ट का ढोल बजे और मैं उस पे भंगड़ा करूँ। वो देखो आ गई नकचड़ी। बहुत सुंदर दिख रही है। जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने कलीग से मिलवाती हूँ। I'll follow you. जरा भी संस्कार नहीं है इस लड़की में, हमारे पांव तक नहीं छुए। थोड़ा समय दो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। Please, Peter. Hi. ये है मिस्टर जॉन, रायन, डेविड और ये है ओली। Guys, ये मेरे फियांसे हैं कार्तिक। हेलो दोस्तों, आपको पता है यहाँ की हर लाइट मैंने अपने हाथ से लगाई है। अच्छा,
वैसे आपकी तारीफ। अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ, वैसे मैं संकट रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की समझ में आता हूँ और कुछ लोगों की समझ से बाहर हूँ। वैसे मैं आपको क्या लगा? बड़े चमन लगते हो। अच्छा, मतलब आपकी समझ से मैं कोसो 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 बाहर हूँ। अच्छा, वहाँ पे शांति शांति है और यहाँ पे अशांति अशांति क्यों लग रही है? लड़की ने दहेज ज्यादा मांग लिया क्या? तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? एक साल से आपने किसी को मुक्का नहीं मारा। किसे मारूं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही चला आया था। ये रसगुल्ला कहाँ है? अपना बेटा सगाई का नाटक कर रहा है, इसे पता ही नहीं। अभी होगा धमाका। वो भी छोटा नहीं, बड़ा वाला धमाका। इसने तो हमें ही चमन बना दिया। तो ये झटका कैसा लगा? पापा, आपने मेरे लिए जाल बुना था, लेकिन मैंने आप सभी को उसी जाल में फंसा दिया। इसे कहते हैं दिमाग। नहले पे तहले पे तहला। जाओ, रास्ता साफ है। Can you send in the email, please? Sure, I'll send him. Sir, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? इंडिया की हमारी बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। What? ये कैसे हुआ? गैस पाइप फट जाने की वजह से और कई लोगों की जान भी गई। एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फैक्ट्री पर केस किया है, जिसकी वजह से हमें हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करना पड़ा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पीआईएल किया है, उन्हें पैसा खिला दो और इस केस को रफा दफा कर दो। मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन वो लोग केस वापस नहीं ले रहे हैं। वो केस किसने किया? ग्रीन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी के अभी मेरी इंडिया की टिकट बुक करो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम आ गया, इंडिया जा रहा हूँ। मुझे कॉल करने में तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड लगते और मैसेज टाइप करने में सिर्फ लगते 20 सेकंड। मिस कॉल देते तो फ्री में हो जाता। एक बात याद रखो, आज के बाद तुम कोई भी काम मुझे बिना बताए नहीं करोगे, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ पर्सनल। अब बताओ कि अचानक इंडिया जाने की वजह क्या है? देखो, इंडिया में जो फैक्ट्री है उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊंगा। वहाँ पहुँचने के बाद तुम मुझे वहाँ की हर चीज की अपडेट दोगे, और इस बार फोन करना भूलना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इसी महीने में शादी है, ये मत भूल जाना। तुम्हें बीच में बोलने किसने कहा? डोंट वरी, शादी तक आ जाऊंगा। और जल्दी है, गिव मी अ हग। दे दो। संकट राव। यस मैडम जी। ये शादी तो करेगा ना मुझसे? जरूर करेगा मैडम, इसका दिमाग थोड़ी फिर गया है। और अगर नहीं की तो? कह दिया ना, गला काट के आपके पैरों में अर्पित कर दूंगा, जबान दे रहा हूँ मैं। शुक्रिया। यस यस यस, आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हुआ। पापा और मामा हर जगह मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने मेरे गांव के दोस्तों से भी पूछा और कॉलेज के दोस्तों से भी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो शहर में अपनी एक खास दोस्त के घर पे छुपी बैठी हूँ। ऐसे कब तक उनसे छुपोगी दिव्या? मुझे नहीं पता, जब तक मामा और पापा अपनी नफरत नहीं छोड़ेंगे और माँ और चाचियों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब तक। उनका रवैया इतने सालों में नहीं बदला है, तुम्हें विश्वास है ऐसा करने से वो बदल जाएगा? ये नामुमकिन है दिव्या। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला मेरी बात जरूर सुनेगा। मेरी इच्छा कभी तो पूरी होगी, तू देखती जा। आपको चश्मे में से दिख रहा है, आपका पैसेंजर कौन है? वीजा पर ठप्पा लगाकर हम भी कहीं घूमने चलें, गोवा बीच के बीचों बीच जाकर मजा करेंगे। ओके, ट्रैफिक क्यों है? लगता है कोई रैली निकल रही है सर, शायद ग्रीन आर्मी है सर, ये पेड़ों को बचाने का काम करते हैं। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर। और सर मैं ये क्या सर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देखा ही नहीं। जब नजर किसी और पर हो तो सामने वाला कैसे दिखे? देख लिया। टैक्सी का भाड़ा इसकी तनख्वाह से काटो। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती, ऊपर से आप मेरी काटेंगे जेब। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? उसका नाम दिव्या है सर। फैक्ट्री पे आकर कहने लगी कि यहाँ से निकलने वाले धुएं केमिकल से पर्यावरण दूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। उसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है सर, वो तो हमें। बॉस यही लड़की है। तुम इतना सा मामला नहीं संभाल सके,
इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है, तोप है। बम का गोला हलक में अटका कर ऐसे फायर करती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तुम बहुत कुछ जानते हो। कैसे नहीं जानूंगा, उसके बम ने मेरे भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या मतलब? स्वाति, अनजान लड़की को हाय क्यों बोल रही है? ऐसा करूंगी तो ही तो पीछे पड़ेगा ना। रुक, तेरे पापा को बताती हूँ। मेरे पापा भी तो यही चाहते हैं। तेरी तो ए, तेरी तो बन तकदीर के दरवाजे खुल गए। तीर कहीं और छोड़ा, निशाना कहीं और लगा। क्या हुआ बहन? पेड़ की डाली क्यों तोड़ी? मेरे नाक में घुस रही थी। जरा उस मासूम को देखो तो, टूटने पर कितना दर्द हुआ होगा उसे। डाली के कौन से नस में इमोशंस दौड़ते हैं? ए, तू जानता भी है क्या? पेड़ों में भी जान होती है, फीलिंग्स होती है। तो जैसे लोग पेड़ों की इज्जत नहीं करते, इसलिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता है? एक डाली तोड़ने से क्या ऑक्सीजन का अकाल पड़ने वाला है? अकल की अनपढ़ कहीं के, तू जानता भी है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मजनू की औलाद, कभी स्कूल में उसके बारे में पढ़ा भी है क्या? अरे छोड़, एक डाली क्या तोड़ दी तूने, मेरा कॉलर पकड़ दिया। अब देख तेरे सामने मैं पूरा पेड़ काट देता हूँ। उस पेड़ को आज भी आई ना तो देखना। हेलो पुलिस स्टेशन, कल तक चैनल TV9 CCB 10-5 सब आ जाओ जल्दी। ये वो आदमी, ये पेड़ काट रहा है, पकड़ो इसे। क्या शास्त्री नगर के सारे पेड़ आप ही ने काटे हैं? क्या? क्या आप ही हो जो चंदन की तस्करी करते हो? क्या आप तिहाड़ जेल से भाग कर आए हो? आप दुबई के डॉन को भी जानते हो? जुर्म में आपके साथ और कौन कौन है? अरे आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैंने गाली दी हो। अरे मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी है। देखो इस मासूम डाली को, रो रही है ये। अब और क्या सबूत चाहिए? गिरफ्तार कीजिए इसे। चल मैं, चल। इतनी आसानी से पेड़ की डाली तोड़ दी, ऊपर से होशियारी दिखा रहा था। ऐसे लोगों को तो पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। जेल में सड़ सड़ के मरेगा तू, निकल यहाँ से। जेल में ऐसे डंडे पड़े कि बैठ ही नहीं सकता, खड़े खड़े सब करना पड़ता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ। भांजे, ये कोई चाबी वाला खिलौना है कि तुम चाबी भरते रहोगे और वो आगे पीछे होती रहेगी? इससे देखने में मजा आ रहा है मामा जी। पर मेरी सास बहू वाली सीरियल का क्या होगा? नहीं तू देख, ये तो देख। दिव्या के लिए ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे अकल के दुश्मन, वो तो तब बनेगा ना जब ये उस लड़की को मारेगा। तो भांजे कब मार रहा है? मामा जी आप मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। भांजे मत भूल कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, कोई मजनू नहीं है तू। आप बस हुक्म दो भाई, अभी लड़की को उठाकर लेके आता हूँ। जबान संभाल के बात कर, वो मेरी माशूका है। वो गुलाब की पंखुड़ी की तरह है, अगर उसे छोगे तो वो बिखर जाएगी। और तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत बहुत नाजुक होती है, बहुत कमसिन होती है, आइसक्रीम की तरह नरम होती है। अरे तो तू क्या चाहता है, हम भी गुलू गुलू करना शुरू करें? अरे तू गुंडा है, आजा 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 कहने से क्या वो आ जाएगी? उसे उठा ले, नजाकत से ही उसकी पप्पी ले और छोड़ दे। मामा जी, वो एक फूल है। हाँ, वो फूल है और हम फूल हैं। बंद कीजिए। अरे कमला भाई आज फिर चार कप तोड़ दिए। मामा जी आवाज नीचे। कमला भाई माफ करना, अब बिल्कुल डरो मत। तुम्हारी बेटी की अगले महीने शादी है ना, मैं अपने अकाउंटेंट से कह देता हूँ, वो तुम्हें 1,00,000 रुपए देगा, शादी धूमधाम से कर। कैसा आदमी है ये, खुद तो उधार की जिंदगी जी रहा है और कमला भाई की बेटी के लिए 1,00,000 रुपए दे रहा है। भाई क्या हुआ रे? ग्रीन आर्मी वाली लड़की का पता चल गया है। वहाँ पर भी पौधे लगा दो। एक्सक्यूज मी, हाय, आई एम कार्तिक। आपके बारे में बहुत सुना है, सुना था कि आपको नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन आज पर्सनली देख भी लिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए आए हो। वाह, इन्हें कैसे पता चला? पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों को भी पढ़ती हूँ मैं। अब जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा है, तुमने जो हमें नोटिस भेजा है ना, उसी का सोल्यूशन निकालने आया हूँ। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो और मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, तुम लोग इतनी आसानी से ये जो पेड़ काट देते हो ना, देखा बहुत शुरू हो गई। जानवरों का घर उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया मिस्टर, उजड़ गया। एक ऐसा वक्त था जब चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती थी, अब तो चिड़िया ही नहीं बची, तो अलार्म लगाना पड़ता है। पंछियों को तो पिंजरे में कैद करके आजकल मनोरंजन का साधन बना लिया गया है। क्या सीख मिलेगी आने वाली पीढ़ी को तुम्हारी इस हरकत से? पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और तुम उनकी तस्करी करके पैसे कमाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री से कितना केमिकल निकलता है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर यहाँ से कल्टी नहीं ली तो हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल देगी। चलिए बंद हो कर ही रहेगी मैं।
तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो जाके ज़ू में नौकरी करना, जी भर के देखना उन्हें। और क्या कहा, एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें जगाती थी। अलार्म क्लॉक के पैसे मुझसे ले लेना। तुम ग्रीन आर्मी को डरा नहीं सकते, पेड़ पौधों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। जा, जो करना है कर ले। तुम में बहुत अकड़ है ना, एनओसी दे दो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरे अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट है, तेरी सुपारी दे दी ना खत्म हो जाएगी। देख मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ, केस वापस लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे गॉगल देना। सर मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड में कौन से भाई को जानते हो? अरे कौन सा अंडरवर्ल्ड, मैं तो बस उसे धमकी दे रहा था, तूने देखा नहीं, बिल्कुल चुप हो गई थी। अरे भांजे रुक तो, ये क्या कपड़े पहना दिए है तूने और गले में ये फांसी का फंदा लटका दिया है। मेरे प्यारे भांजे, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए प्यार से कोई तोहफा ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, ये गमला लेकर कौन जाता है बेटा? मामा जी हाँ। जिसे पसंद करो उसे उसकी पसंद की चीज दो, उसे पौधे बहुत अच्छे लगते हाँ। हैं। टीवी में देखे नहीं क्या? हाँ मैंने देखा, उसे तो ऐसा सबक सिखाओगी। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम शंकर है और हम सब सोशल वर्कर्स हैं। आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं? नहीं, हम हिंसा प्रेमी हैं। अबे चुप चुप, मामा जी कुछ कहिए। दिव्या बेटी, ये कह रहा था कि हम इंसान प्रेमी हैं, हम भी फूलों को पौधों को बड़े प्यार से पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब चुप रहिए, अब मैं बोलता हूँ। जब से मैंने तुम्हें आंदोलन में देखा तो मुझे तुमसे लगाव सा हो गया। दोपहर को नींद नहीं आती, खाना रात को 4 बजे खाता हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कोई दवाई भी नहीं लेता। क्यों, खरीदने के पैसे नहीं है? मुझे रात के सपने में भी तुम दिखाई देती हो। मुझे तुमसे माफ कीजिए, मैं पहले ही कुछ चीजों की वजह से परेशान हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जैसी फूल की जिंदगी में कांटे, वो कांटा कौन है बताओ, उसे उखाड़ दूंगा। आप जैसे शरीफ सोशल वर्कर ये सब नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो गुंडे चाहिए। गुंडे चाहिए, सब लोग अपने असली रूप पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। हम सब पैदाइशी गुंडे हैं। माफ करना दिव्या, तुम्हें पटाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं इस शहर का मशहूर गुंडा हूँ। 80 खून किए, 100 से ज्यादा जमीन पर कब्जे किए हैं भाई ने, और 10-12 नहीं 15 शहर की पुलिस ढूंढ रही है भाई को। वो मैंने एक फैक्ट्री पर केस किया है और अभी अभी उसका मालिक आकर मुझे धमकी देकर गया है। क्या आप उससे निपट सकते हैं? कौन है वो? वो जसुंदर के साथ वाला, वो देखिए वहाँ, वही है। उसका गेम भारी करूंगा। हाँ। बेटी तुम बिल्कुल फिकर मत करो, उसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि मौत के बाद भी याद रखेगा। ये देख लीजिए, ये देख असली असली 50 तोला 50 तोला कितना 50 तोला। दो शादीशुदा औरतों को छेड़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या मस्त एक्शन मूवी है ना? एक्शन तो अभी शुरू होगा, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मारो इसको। एक्शन करना है तो फिल्मों में जाओ ना। वो एक फूल है, फूल है। मैं क्या करूँ? तुम भी उसकी तरह रक्षक बनो, भक्षक क्यों बन रहे हो? औरत की इज्जत ना करने वाले पर ऐसे ही लोग भारी पड़ते हैं, याद रखना। मारो इस ये किस औरत की बात कर रहे थे और मुझ पर क्यों भारी पड़ रहे थे? टिकट तो खरीदा हुआ था। सफाचट करोगे? नहीं, फोड़ेंगे। अच्छा मजाक है, फोड़ना फाड़ना तो तुम जैसे दर्जी लोग करते हैं, मैं सीधा सुलाता हूँ, वो भी 10 मीटर जमीन के अंदर, समझ गया? वो एक फूल है, बस उसकी खुशबू लेना, जख्म नहीं देना। ये कौन सा फूल है जिसका मैं कांटा बनाऊँ, मुझे क्यों मार रहे हो? सवाल करता जवाब। अरे ये क्या, चोट कैसे लगी? शायद मुझ में ही खोट है, ग्रुप में चड्डीस वड्डीस आते हैं और मेरी हड्डी तोड़ देते हैं, प्लास्टर का खर्चा भी नहीं देते। तू उन लोगों को जानता है? अब पूरी तरह जान गया हूँ। क्या कहता है कि वो एक फूल है और फिर मुझे धोते हैं, मार मार कर मुझे सुझा दिया। देखिए ना सर, देखिए ना, इसकी मलम मेरे साथ करो। आओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, आ जाओ। हट रहे
अरे आओ ना आराम से, खर्चा आप ही देना। दिव्या, उस छछुंदर को मैंने तबियत से धोया, उसकी नानी याद दिला दी, अब वो परेशान नहीं करेगा। सच में शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही फोन कर रहा है, लगता है माफी मांगना चाहता है। अरे वाह, स्पीकर पर डालो, हम सब सुनेंगे। हेलो, अब तक केस वापस क्यों नहीं लिया? लगता है तूने मेरी धमकी को हल्के में लिया है। मैं तुझे केस वापस लेने का एक और मौका देता हूँ, वरना मैं। ये तो अभी बदतमीजी से बात कर रहा है, आप तो कुछ और कह रहे थे। सिर्फ शक्लें ही गुंडों जैसी है क्या? काम में तो जीरो हो। उस छछुंदर में तो इतना दम नहीं दिखता। कौन छछुंदर? तुम ही बोली थी वो छछुंदर दिखता, हमने उसका ही कचुंबर बनाया, इतना पीटा है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैंने आप लोगों से कहा था छछुंदर नहीं, छछुंदर के साथ वाले से निपटना है। आप लोग जाके गलत इंसान को पीटा है। लेकिन तुमने जिसे कहा हमने उसे ही पीटा, क्यों भांजे? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। दिव्या, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं, लीकेज हो जाएगा, होंठ में छेद है ना। Hey, पकड़ो उसे। मुझे जाने दीजिए, मैं किसी बाजार के पास नहीं जाऊंगा, ना छोटा ना ही बड़ा, किसी भी पुल के पास नहीं जाऊंगा कसम से। मिस्टर छछुंदर, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ। गलत इंसान देख लिया मेरी आंखों ने, तुम्हारे बॉस को मारना था, तुम्हें पीट दिया। बॉस को? आई एम वेरी वेरी सॉरी। चाहो तो मुझे मार कर बदला ले लो। मारो मारो मारो। इतनी बार माफी मांगोगे? अभी छछुंदर से पूछो कि इसका बॉस कहाँ मिलेगा हमें। हाँ बता, कहाँ है वो? कहाँ है? बॉल उछल रहे हैं। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या ने मेरी बेइज्जती की है, उसकी धुलाई करो, लेकिन जान से मत मार। जान से नहीं मारना? अरे भाई, आपको तो पता ही है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी हो सकता है, मेरी जान जा सकती है, उसकी भी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ए शाने, रुक जा, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। देखो वो सारे मासूम बच्चे हैं, आराम से शांति से बात करते हैं। आओ मेरे साथ। आराम और शांति से? मेरा खून खोल रहा है। अरे कहा ना शांत रहो। अरे ए पंटर लोग, तुम लोग भी आओ। दो तीन ही आओ वरना डर जाएगा। ए हीरो, अबे सुनाई नहीं दे रहा, इधर आ। बॉल को बहुत उछाल लिया, अभी शंकर भाई तेरे को उछालेंगे। प्यार की भाषा समझ और अपने साथ चल। शंकर भाई, उसको बोल यहाँ आके बात करे। शंकर भाई यहाँ आएंगे तेरे से बात करने के लिए, उनकी खिसक गई तो ठोक देंगे। जो बोला वो करना। समझ में नहीं आता है क्या? अरे देख क्या रहे हो, मारो। मैं तो निकलता हूँ, बचाओ। अरे क्या हुआ? बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। क्या बेटा, तुम नए लगते हो शहर में, यहाँ कुछ काम हो तो बताना। हाँ बहुत अपनी पहचान है, कुछ भी काम हो तो सीधा मेरे पास आ। क्या हुआ बेटा? देखो मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मुझ पे हाथ उठाओगे अच्छा नहीं लगता। मैं करता हूँ कुछ है। ए भांजे, उस लड़की के चक्कर में मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। लड़की? कौन सी लड़की? वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा, तुमने उसे धमकी दी थी ना। अबे मेरे मामा पे हाथ उठाया, दिव्या को परेशान किया, लगता है तेरे दिन भर गए। मेरी छोड़, तू सोच यहाँ से बाहर कैसे जाए। अब यहाँ से सिर्फ तेरी लाश बाहर जाएगी। ए, जबान संभाल के बात कर। ए, मुझे मत ललकार, मैं वो आग हूँ जो तुझे जलाकर राख कर देगी, अगर मुझे छुएगा तो जल जाएगा। ऐसे फिल्मी डायलॉग मुझे पसंद नहीं है यार। चल अब आ जा और चुपचाप मार खा ले, मेरे पास समय नहीं है। Yeah!
सर, ये क्या सर, आपने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी, उसने तो सचमुच गुंडे भेजे, हमें तो बस एनओसी चाहिए थी। कौन सा उसे टाका भिड़ाना है? क्या कहा आपको? कहा उसे प्रेम की रास लीला रचानी है। प्रेम है? ये अच्छा आइडिया है। जो काम धमकी से नहीं हुआ प्रेम से होगा। मतलब आप उसके दिल को छुएंगे? नहीं, उसके दोस्त के दिल को। तो मेरा क्या होगा सर? अरे कौस्तुभ चिल, ये सब एक नाटक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाइएगा। लेकिन क्यों? फिसलू है, बिना केले के छिलके पे फिसलती है। ओ, हाँ? फिर तो और मजा आएगा। स्वाति, स्वाति उठो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, आज जन्मदिन है फिर भी उदास हो? हाँ? काहे का जन्मदिन, ना कोई सरप्राइज देने वाला है ना कोई गिफ्ट देने वाला, कितना बोरिंग डे है। कितने सुंदर फूल है, ये सारे फूल तुम ही लाई ना मेरे नहीं, लिए? नहीं, मैं नहीं लाई। Go, go now, here we go now, come let's party. यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं आया, इसके लिए आया। ये सारे फूल मेरे लिए? Happy birthday. Thank you so much. मेरे लिए इतने सारे बुकेस? Actually थोड़े और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। ये सारे फूल देकर ये तुम्हें फूल बनाना चाहता है, फंसा रहा है तुम्हें। मैं जानता था यही कहोगी। मैं फंसाने नहीं, चाबी देने आया हूँ। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी गाड़ी? अरे सुन तो सही, क्या गाड़ी है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ए, पागल है क्या? कोई तुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा और तू ले लेगी? शर्म नहीं आती? ए मिस्टर, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। जब स्वाति ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? अंकल, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोहफे में गाड़ी मिल सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का ऊपर वाला हमारी झोली में डाल देगा। बेटा तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, तुम्हें तो मैं छुपा के रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी आओ भगवान, अब ये घोंसला तुम्हारा भी है। अच्छा तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तोहफे देते रहोगे ना? वो क्या है ना अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ, अगर आप हाँ कह दें तो। तुम्हारी सदा पर, स्वाति तो क्या, मैं भी हाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बक रहे हो पापा? ए, चुप रहो तुम, हीरे की परख, तुम क्या जानो ये मेरे जैसा जौहरी समझता है। बेटा वो कुर्सी अब तक तुम्हारे लिए ही खाली थी। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ये सब नाटक बंद करो, समझे? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरे प्यार पे आपको शक है तो गाड़ी की चाबी दे दो। दिव्या, ये लड़का इतनी शराफत से पेश आ रहा है और तुम इसे नाटक कह रही हो? जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नच चढ़ी है। It's okay, अंकल। बेटा तो अब हम बेडरूम में चलें। पापा, तो मैं कहाँ जाऊँ? चिल्लाओ मत, कोई मेहमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी ना दिखाऊं? आओ बेटा चलते हैं। मुझे जरूरी काम याद आ गया, चलता हूं। जी सुनते हो, वो आ गए हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्तिक आया है। कार्तिक, अरे तू ऐसा बोलो ना। हाँ, 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 हाँ। अंकल आपकी अनुमति हो तो इसे बाहर घुमा लो। मुझे भूल गए इसके आगे। फिर शुरू हो गए। चुप रहो, पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है, हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। बस कुछ देर के। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तो ग्रीन आर्मी को शास्त्री नगर में पेड़ लगाने जाना है, तुम भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड़ बन जाएगी। थैंक्स अंकल, एक आप ही है जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है। मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। क्या, कितनी बकवास बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। बेटी तू जा तैयार होकर। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जलन हो रही है? कान खोल कर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी। दिव्या तुम बार बार इस पर डोरे क्यों डाल रही हो? इस दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है। बाय। अब तुम जाके पेड़ लगाओ। अरे वाह कार्तिक आ गया, आ गया। देखते हैं हमारे लिए क्या गाड़ी में और तोहफे। आई लव यू। रोज तोहफे लाया करो, देखते हैं इसमें क्या है। चलो। हेलो भैया, हम सब जगह देख चुके हैं लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। कहाँ गायब हो सकती है वो? नहीं मिली का क्या मतलब है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जब तक दिव्या ना मिले उसे ढूंढते रहो, मौत बनकर उसका पीछा करो।
अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल, वो बात नहीं है। जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे में तो बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं। तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी हो कर रहेगी। स्वाति, हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कौस्तुब है, मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है। लॉल खुद की कर रहे हैं, लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा, सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आदमी है। ये बंदा पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी, कब आए? मैं अभी दूर। सुनो कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस। तो ये आग इसने लगाई है। इस बात से तुम चौंक गए ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों चल रहा है? कार्तिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान! तुम चुप रहो, विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है, फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है, मुझे प्यार स्वाति से नहीं दिव्या से। What? जब उसे क्या? हट जाओ, तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो दिव्या। तुमने छुरा घोपा है। अंकल छुरा मैंने नहीं, इसने घोपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इसे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा, तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं, आप रख लीजिए। दिव्या, सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो, कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। दिव्या रुको, छोड़ो मुझे। देखो दिव्या, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। दिव्या, जिस तरह तुम इन पेड़ पौधों और कुदरत से प्यार करती हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ दी, अब तुम मुझे मत छोड़ के जाना। ये फिल्मों वाले डायलॉग कहीं और जाकर मारो मिस्टर, मैं नहीं फंसने वाली। अपनी एक गंदी शक्ल लेके निकलो। मैं जानता तुम दूसरी लड़कियों की तरह आसानी से नहीं पटोगी, पर जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिव्या, दिव्या सुनो। भैया दिव्या का पता चल गया। ये तुम्हारे लिए। जितने प्यार से इनसे बात करती हो कभी मुझसे भी कर लिया करो। इमली की तरह थोड़ी खट्टी है सर, आम की तरह थोड़ी मीठी बनो ना। लगी क्या? आप रिस्क मत लीजिए। सुनो दिव्या, ये हरी भरी जवानी हरियाली पर क्यों लुटा रही हो? अरे पेड़ तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे शादी करने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा, तो ये रिश्ता पक्का। मुझसे उलझ कर अपनी फैक्ट्री तो बंद करवा चुके हो, दोबारा पंगा लिया तो ऐसी हालत करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, समझे? अरे बाप रे, क्या धमकी दी है, मुझे तो डर लग रहा है। बदतमीज। अरे दिव्या मेरी बात सर, उसे जाने दीजिए सर, वो आपके प्यार के घास पर ट्रैक्टर चलाकर चली गई। क्या लगा था शहर आ जाएगी तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, अब बच के कहाँ जाएंगे? चल गाड़ी में बैठ, चल। छोड़ो मुझे। चिल्लाना मत कर, चुप कर, चल गाड़ी भगा जल्दी। कौन है बे तू? अबे सुन, अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है तो पता है मैं कौन हूँ? शिकारी हूँ। देख उस लड़की को भूल जा, आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जा। सुन बे, तू जानता है हम कौन है? हमारी पहुँच नहीं जानता है क्या? मेरा घूसा खाने से पहले सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं, जितना वक्त ये फालतू बकवास करने में जाया किया उतने वक्त में मैं तुझे दो बार मारता। बहुत गर्मी है ना तुझमें, अब भी तेरी हेकड़ी उतारता हूँ, देखते हैं कितनी देर टिकता है। मारो इसे। तो आ ना। Hey!
यहीं रुको। देवा का छोटा भाई यहाँ भी पहुँच गया, मार देते उसे। अभी नहीं। और वो कौन है? दिव्या का दोस्त होगा। सिर्फ दोस्त होता तो अपनी जान खतरे में नहीं डालता, वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता। ये जरूर दिव्या पर अपनी जान लुटाता है। यही है वो लड़का जो हमारी दिव्या का जीवन साथी बनेगा। पापा आप क्या? चलो, मैं नहीं जाऊंगी। एक शब्द नहीं, चलो। सर, ये लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। फैक्ट्री के आड़ में कुछ और ही हो रहा है सर। मैं इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया, दिव्या के लिए आ रहा हूँ। क्या? दिव्या के नाम पे अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ, उसके पापा को फोन करके यहाँ बुलाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत दिव्या से ही होती है और मेरी कहानी का अंत भी दिव्या से ही होगा। चलो आओ। चुप कर, तेरी नाक के नीचे से ये भाग गई, क्या खाक देखभाल करेगा तू इसकी? ये तू बोल रहा है? अपनी गर्भवती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तूने। तुझे इसे बेटी कहने का हक नहीं है, चल जा। बस कीजिए पापा, और आप भी मामा जी, यही वजह थी मेरे भागने की। अगर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, सीधा जान दे दूंगी। कैसी बातें? वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई? पता नहीं कौन था, पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड्डी पसली एक कर दी। तुम लोग देखते रहे? उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भैया। ए, वो लड़का कौन है, कहां से आया है, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए? ये क्या राज है? इस कहानी की शुरुआत मेरी माँ से होती है। मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी माँ को खुशी होगी, लेकिन मेरी सगाई के बाद पता चला कि वो बहुत दुखी है। देखा माँ, हरा दिया ना आपको, मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई। मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, सोचा था अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे। अब क्या कह रही है, हुआ क्या है? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, और वो ये कि मैं अनाथ हूँ। 6 साल की थी तभी माता पिता गुजर गए, बापू ने ही मुझे पाला पोसा है, उनके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। बेटा, ये सालों पुरानी बात है, मेरे और बापू के पिता अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजरने के बाद बापू और उनके भाइयों ने मेरा ख्याल रखा। बापू के एक बचपन के दोस्त थे, उनका नाम था बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की 4 बहने थी। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तय हुई, और उनकी बहनों की शादी बापू और उनके भाइयों से तय हुई। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी। इस बीच बापू और उनके भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी बापू को ये सच बताने की, इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे न्योते पड़ चुके हैं, तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बहनें और हम सब कितने खुश थे। कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हुई तो उसकी बदनामी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, माफ कीजिए। लेकिन बल्ली ने हमारी शादी कोर्ट में करवा के हमें गाँव से बाहर भेज दिया। बल्ली ठाकुर के बहुत उपकार है हम पर। बापू को ये बात पता चल गई और बल्ली से रिश्ता तोड़ लिया। निकल यहाँ से। मेरी बहन को भगा कर उसकी शादी करवा दी, मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा तुझे। अब मैं इसका दंड तेरी बहनों को घर से निकाल कर तुझे दूंगा। पति होते हुए भी तेरी बहनें विधवा का जीवन व्यतीत करेंगी। अपनी बहनों को उस हालत में देखकर तू जीवन भर खून के आंसू रोएगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। निकलो। उस वक्त बल्ली की बड़ी बहन पेट से थी, उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बापू बच्ची को घर लाना चाहते थे, पर बल्ली ने देने से इनकार कर दिया।
बात अदालत तक चली गई। अदालत ने ये फैसला लिया कि बच्ची हमेशा के लिए माँ के पास रहेगी, पर उसके पिता महीने में एक बार उससे आकर मिल सकते हैं। उसी दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी मैं दिव्या से करवाऊंगी, ताकि जो गलती मैंने की है उसकी माफी मांग सकूं। तो इस बारे में मैंने बल्ली से बात की। सरस्वती, तुम्हारे इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे लिए सबके दिलों में नफरत घर कर चुकी है। दिव्या को बहू बनाने का सपना छोड़ दो। मेरी वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। सोचा था ये रिश्ता करवा के अपना प्रायश्चित कर पाऊंगी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। माफ करना माँ, मैं पैसे कमाना तो सीख गया पर रिश्ते बनाना नहीं सीख पाया। मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीत कर दिव्या को इस घर की बहू बनाकर रहूंगा। फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की, तब मुझे ग्रीन आर्मी के बारे में पता चला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, खुद ग्रीन आर्मी को मेरी फैक्ट्री के खिलाफ भड़काकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या से मिलने का बहाना ढूंढा। अब दिव्या का दिल जीतने के लिए उसके परिवार से मिलना होगा। ए, रुको, तुम लोग कौन हो? हे, आप लोग कौन है? मेरे भैया भूपेंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र और ये धर्मेंद्र। जितेंद्र नहीं है, मरना है क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम दिव्या से सच्चा प्यार करते हो? आप कहें तो साबित करके दिखा दो। कैसे करोगे? जैसे आप चाहें। तुम्हें मार डालूं तो? कब और कहां? अगर किसी ने दिव्या पर आंख उठाई तो? बर्बाद कर दूंगा उसे। उसे खुश रखोगे? उसे पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, इतनी जल्दी मान गए? पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था। जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सर, दरअसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है। मुझे आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो पापा। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो तुम्हें हर खुशी देगा। देखिए पापा, बस मुझे झूठे वादे करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना? ठीक है, बाकी काम हम लोगों ने कर लिया। किसका फोन था बेटा? वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है। तो उसको मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का लाऊंगा। मामा जी, पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब है, उन्हें और खराब मत कीजिए। मैं उस लड़के से मिलूं तो ही अच्छा है। देखो ये क्या कर रही है, इसे खुद पता नहीं है। इसके बाप का भेजा हुआ कोई भी लड़का आए तो उसे रवाना कर दो, और अगर अड़ जाए तो खत्म कर दो। है लड़का इसी गाड़ी में है, जाओ जाके खत्म कर दो उसे। सामने ये दो डंडियां लेके हवा में ऐसे वैसे घुमाने से तू एक्शन हीरो नहीं बन जाएगा। बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई ढंग का मिला ही नहीं, क्यों ना तुम पे ट्राई करूं। डर तो नहीं जाओगे ना? इस खिलौने से कौन डरेगा? तो चल आजा, दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं आज तुम्हारे ये हथियार जीतते हैं या मेरा ये खिलौना तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देता है। Ah!
ए, सब अपनी अपनी शर्ट उतार कर बैठ जाओ। तो बच्चों, इस खिलौने से क्या सीखा? हर खिलौना बच्चों के खेलने का नहीं होता। आप जैसा भोला भाला दिखने वाला आदमी भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। सेहत से तो गुंडे नहीं लगते हो, वैसे करते क्या? बल्ली ठाकुर क्या काम करते हैं? क्या मिलता है? दो वक्त का खाना और 1000 रुपया रोज मिलता है, साल में एक बार। एक बात तो समझ में आ गई, तुम में से कोई भी ये काम करना नहीं चाहता, बस भूख की वजह से मजबूर। मैं तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा और हर एक के खाते में 10 लाख डाल दूंगा। सच? अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करो और ईमानदारी का काम करो। आप महान हो। हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। ये तो वही है। बोलो दिव्या, ये जो लड़का आया है आप उसे जानते हैं क्या? नहीं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ओहो पापा, वो एक नाटक था। उस लड़के को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने बताया कि तुम उससे नाराज हो। पापा मैं आपसे कह, सुनो, वो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। तुम उसे थोड़ा समय तो दो, पसंद ना आए तो मना कर देना। हेलो हेलो, ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? इसे उठा के बाहर फेंकने को कहा था, यहाँ ले आए। देखिए मालिक, हमें तो ये बहुत पसंद है। हा? आप इसे ही दामाद बनाइए। कूल अंकल जी, गुंडो अंकल जी से अकेले में बात करनी है। मेरा सामान घर में रखवा दो। देखिए अंकल जी, मुझे भूपेंद्र ठाकुर ने नहीं भेजा है, मैं खुद दिव्या के लिए आया हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, प्लीज बीच में मत आइए। जानता है मैं कौन हूँ? लड़का मुझे पसंद भी तो आना चाहिए ना। मेरे मना करने पर खुद ही निकल जाएगा, आने दीजिए इसे। मेरी भांजी से दूर ही रहना। जी समझ गए। घर पे मेहमान है, स्वागत नहीं करेंगे? चाय पानी मिल जाए तो। ए ग्रीन आर्मी, तुम्हारे पिताजी को तो इम्प्रेस कर चुका हूँ, कुछ दिनों में तुम्हें भी कर दूंगा, क्या कहती हो? इम्प्रेस करने आए हो, डिप्रेस होकर जाओगे। बोरिया बिस्तर बांध कर ही रखो। इतना कॉन्फिडेंस? अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है। चलती हो तो लगता है बिजली गिरती है। लो ये भी धो देना। मालकिन आज शाम को मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या कारण है? आज मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है, शाम को उनके साथ मुझे मंदिर जाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि कम से कम तेरा पति तो तेरे साथ है। और यहाँ हमें देख लो, पति का घर होते हुए भी इतने वर्षों से हम यहाँ भाई के घर पे पड़ी हैं। अरे मुँह काला करके भाग गई थी वो सरस्वती, और उसका दंड हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। वो तो विदेश में आराम की जिंदगी जी रही है। हाँ वो तो आराम से जी रही है, पर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे आंटी लोग, खाने में क्या है? आज कुछ मीठा बनाया है या नहीं? नहीं तो कड़वे करेले बनाए हैं, डिब्बे में भरो और निकल लो। तुमसे पूछा क्या? जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, आप सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप जैसी सुंदर पत्नियों को ठुकरा कर आपको नहीं उन्हें रोना चाहिए। इनमें उनका कोई दोष नहीं है बेटा, ये दोष मनहूस का साया है जो हम पर पड़ा है। आप चारों की यही इच्छा है कि अपने पतियों के घर जाना है, यही ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा है तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मैं आपको आपके पतियों से हमेशा के लिए मिलवा दूंगा, फिर आप सब एक साथ खुशी से रहेंगे। ए, इस घर में मेहमान बन के आए हो, तरीके से रहो। हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इसका ध्यान रहे। मैं समझ गया, आप सबको अपनी हक की खुशियाँ मिलेंगी, यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सम्मान मैं लौटाऊंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। झूठे सपने मत दिखाओ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो चला जाऊं। अपनी ये बात याद रखना, और नहीं कर पाए तो चुपचाप निकल जाना। आज तक ऐसा कोई वादा किया ही नहीं जिसे पूरा ना किया। माँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सबसे मिल भी चुका हूँ।
सही कहा था, सब दिल के अच्छे हैं। माँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे पापा, वो फैक्ट्री में पता चल गया है। देखो, उन लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है। घर वालों की नाराजगी तो मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा, इतने साल हो गए, उस बापू ने तुम्हारे माँ से बात तक नहीं की है। वो अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कही थी। छोड़िए ना पापा, अगर उन्होंने हमारे साथ रूखा व्यवहार किया है तो हम उनका दिल प्यार से जीतेंगे। इसलिए अब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। जाके खेत में काम करो। चल। हेलो, कैसे हो नागेंद्र, मुझे पहचाना? अबे तू है, मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की होती है। भैंसे ऐसा बोलता है गेंडे? ये तेरे भाई को। भैया भैया भैया, वो लाइन पर है। कौन है? अरे वही जिसने फोन किया है। नाम तो बता। वो कुमार जो सरस्वती को भगा ले गया था। उसने क्यों फोन किया? अबे भगोड़े, मुझसे बचने के लिए सात समंदर पार चला गया। आवाज नीचे, सबके दिन बदलते हैं, तेरा भी घमंड टूट जाएगा। तू क्या मेरे घमंड को तोड़ेगा? वैसे तेरी बेटी की शादी होगी नहीं, कोई आके उड़ा ले जाएगा। ओए, किसके अंदर हिम्मत ऐसा करने की? मेरे बेटे में और किस में? और अब तक मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच भी गया होगा। तेरी आँखों के सामने वो उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। रोक सकता है तो रोक ले, अभी समय है, नहीं तो पछताएगा तू। फिर ना तू इधर का रहेगा ना उधर का। ओए, उस समय तू मुझसे बच गया। अगर तेरे बेटे ने यहाँ आने की हिम्मत की तो उसके टुकड़े तेरे पास पार्सल करवा दूंगा। चल फट। ए सुनो। हाँ भैया। वो सरस्वती का बेटा यहाँ आया है, तुम्हें जिस पर भी शक हो उसके हाथ पैर बांध कर मेरे पास ले आओ। अभी लाता हूँ। क्या हुआ अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे एक पुरानी बात है, तुम वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चलिए। ये क्या खिला रहे हैं मुझे? इतना नमकीन खाना कौन खाता है? नमकीन? अरे एक बात बताता हूँ आपको, बल्ली ठाकुर जी के घर के खाने का स्वाद मजा आ जाता है। वैसे घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं उसका स्वाद अलग ही होता है। आपको मैं कल का किस्सा बताता हूँ, वहाँ जो दाल बनी थी उसका स्वाद। वो दाल तड़का जरूर मेरी पत्नी मीनाक्षी ने बनाया होगा, मजेदार था। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। और परसों पनीर बिरयानी किसी ने कितने कमाल की बनाई थी। अरे वो मेरी पत्नी ने बनाई होगी, तुम्हें पता है साक्षी हर तरह की बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती है, पसंद कैसे नहीं आता बिरयानी। नहीं चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ ने जो भिंडी मसाला बनाया था, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया था। उन्हें यहाँ से भेज के गलती कर दी। आप यहाँ बैठ के नमकीन खाना खा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी रोज उंगलियाँ चाट रहे हैं। जिसके नसीब में वही खाए। सांभर दे, अब इसे देखो, ऐसा लगता है ये खुद कढ़ाई में तल के आया। ये क्या दाल बनाएगा? चलो, भूख मिट गई। वैसे उस घर की सभी औरतें बहुत खुश हैं, बस उन्हें एक दुख है, पति का साथ ना होने का। ये क्या बोल रहे हो तुम, उस घर की तारीफें करना यहाँ बंद करो। दिव्या की नाराजगी दूर हुई? उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान गए? हाँ मान गए, यहाँ आने की भी सोच। उन्हें बुलाते क्यों नहीं? अरे कैसे बुला लूं अंकल जी, यहाँ का तो खाना भी ढंग का नहीं है और आपकी पत्नियाँ आपसे अलग रहती हैं। वो इस घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप सब अलग क्यों रहते हैं। अरे छोटी सी बात के लिए इतने साल अलग रहना। अगर उन्होंने पूछा कि कल को दिव्या ने भी ऐसा ही किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी पत्नियों को वापस बुलाइए। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी के लिए मैं अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को भूल जाऊं? अगर यही तुम्हारी इज्जत है ना, तो ये शादी नहीं हो सकती। ये तो गड़बड़ हो गई, इतना भड़क क्यों रहे? आपकी इस छोटी सी प्रॉब्लम का मैं आपको एक सलूशन दे सकता हूं। तो क्या है सलूशन, जल्दी से बताओ। नाटक करना होगा। क्या कह रहे हो? हाँ नाटक करना होगा, आपने कभी नाटक देखा नहीं है क्या? अरे किसी भी नाटक में कपड़े, प्रॉप्स, किरदार सब नकली होते हैं, शो खत्म होने के बाद उन सबको लौटा देते हैं। ठीक वैसे ही आपकी पत्नियों को यहाँ लाएंगे, शादी तक रखने का नाटक करेंगे, फिर भेज देंगे। इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे, पहला ये शादी हो जाएगी और दूसरा बल्ली ठाकुर का घमंड भी चूर हो जाएगा। कार्तिक की योजना बहुत अच्छी है, इससे नाक भी नहीं कटेगी और मूंछ भी बच जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता भैया, यही सही। ठीक है उन्हें ले आओ, लेकिन उनके साथ कुछ भी गुटरगू करने की जरूरत नहीं। जैसे ही शादी खत्म होगी उन्हें वापस भेज देना। गुटरगू ना सही, काँव काँव तो कर सकते हैं। गलती से मिस्टेक हो गई। ए सुनो। हाँ भैया। कहाँ है? अपनी पत्नियों को आवाज दो। मीनाक्षी, साक्षी, कविता, बाहर आओ। सुनो। हाँ भैया। उसे भी बुलाओ। किसे भैया? तुम्हारी भाभी। देखिए भैया, हम आपका हर काम नहीं कर सकते हैं, आपको भाभी को बुलाना पड़ेगा, हम नहीं बुलाएंगे। कल्याणी। मीनू, मीनाक्षी। हाँ?
दिव्या, अपनी माँ और चाचियों से कहो घर चलें, हम उन्हें लेने आए हैं। आप सच कह रहे हैं पापा? तुम यही चाहती थी ना? ऐसा दिन भी कभी आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब उसके कारण हुआ। भूपेंद्र, वहीं रुको। ये सब तो हमारे साथ रहेंगी, पर तुम्हारी परछाई भी वहां नहीं पड़नी चाहिए, याद रखना। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हमारे बीच ये जो नफरत की दीवार है, उसे कोई फरिश्ता भी आकर गिरा नहीं सकता। अपने जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा लो। भैया, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगर तुम लोग खुश रहो तो मैं उसकी और भी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जिंदगी की नई शुरुआत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलो अब जाओ। अगर ये वार्तालाप खत्म हो गया हो तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं? आओ मीनू, हम लोग पीछे बैठेंगे। भैया, मैं इन सबको पीछे बैठा रहा हूँ, जाओ पीछे वाली गाड़ी बैठो। जा जाओ, जा जाओ। हाँ हाँ, आराम से। कार्तिक, कार्तिक, मैंने सोचा था कि मैंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो बस सपना ही रह जाएगा, जो कभी पूरा नहीं होगा। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू। ये लो, तुम्हारी फैक्ट्री का एनओसी। मैं यहाँ फैक्ट्री के लिए नहीं आया था, मकसद पूरा करने आया था। मकसद पूरा करने? लेकिन कैसा मकसद? कौन हो तुम? मैं सरस्वती का बेटा हूँ, माँ ने भेजा है। तुमने ये बात छुपा के क्यों रखी? अगर पहले ही बता देता तो आप इस शादी से इनकार कर देते। मेरी माँ की वजह से आपको पहले ही बहुत तकलीफ हुई है, पर अब मैं उन तकलीफों को दूर करने के लिए आया हूँ। अगर भूपेंद्र को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। मैं माँ के लिए मरने को भी तैयार हूँ। बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने जिंदगी में कोई अच्छा फैसला लिया है तो इस हीरे को दामाद बनाने का लिया है। I love you, कार्तिक। संकट राव। Yes, madam। तो अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मुझे कितने साल की सजा होगी? देखिए और पूछ, आप खून कीजिए, आपका केस मैं लड़ लूंगा। लड़ोगे तो तब ना, जब तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारा ही खून करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरी कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो उठाता ही नहीं। शायद उसका इनकमिंग बंद होगा और आपका आउटगोइंग। आप पीछे कम जीरो लगाइए और आगे एक ज्यादा। ठीक है। वो आपका रिंग शायद एक्सचेंज में जा रहा है, आप दाहिने हाथ के छोटे अंगूठी से डायल कीजिए मैडम। बिल नहीं भरा होगा इसलिए कनेक्शन कट गया। गला दबा दूंगी। भूल गए क्या कहा था तुमने? गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा। मैडम जी, एक काम कीजिए, आप मुझे इंडिया पार्सल कर दीजिए। क्या करोगे वहाँ जाके? झक मार के कार्तिक को ले आऊंगा। आओ बेटी, इतने सालों बाद बिटिया घर पर आई है, जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटी। अच्छा कार्तिक। हाँ कहिए। तुम्हारे माता पिता कब तक आने वाले हैं? अभी बात की है, आते ही होंगे। अच्छा। मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। यहाँ फिसलने के मौके काफी हैं, कहीं टिकना मत। पागल हो गए हो क्या? मैं स्वाति से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है। अरे रुको भाई, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं तो इनका चाहता हूँ, जरा मिलने तो दो। पापा, ये दिव्या के पापा। हाय। हाय भैया, कैसे हो? आई मिस्ड यू। जिसे सैया बनाना था उसे भैया बना दिया। अरे कार्तिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? ये आज ही पैदा हुई। अच्छा, मतलब? मतलब ये सालों से विदेश में। ओ, अच्छा। अरे भाई, तुम लोगों में झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आओ पास में। दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाय दिव्या, कैसी हो? आपकी बेटी दिव्या को कैसे जानती है? ये स्केट्स की तरह है, बर्फ देखते ही फिसलने लगती है। भाभी को देखकर भी ऐसा ही लगता है। ये कौन है जो मेढक की तरह टर टर कर रहा है? ये दिव्या के चाचा है। तालाब में रहे। भाई साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है,
आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना ही काफी नहीं है, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। कार्तिक, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। अरे सुनो, उछलने की जरूरत नहीं है। पहले मैं इनकी खातिरदारी लूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। आइए अंदर चलते। स्वाति को यहाँ लाना जरूरी था। अगर स्वाति को लेकर नहीं आता तो क्या करता? तुम्हारा मैनेजर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, उस पर डोरे डाल रहा है। दरअसल मेरी बेटी कैरम के स्ट्राइकर जैसी है, क्वाइन देखी नहीं कि फिसल जाती है। कैसे छोड़ा था उसे? अंदर कोई बकवास मत करना, चलो। ओके। वॉलेट। भैया वो आ गया। भैया चला रहा है। अरे वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही भैया। अरे वही कौन? अरे भाई, नाम तो बोल। सरस्वती का बेटा। ये तो उसके बचपन का फोटो लगाया। क्या अंदर कोई आईडी कार्ड या सरस्वती के साथ कोई फोटो होगी? देखो है कि नहीं। इंग्लिश में लिखा है ना, मैं पढ़ता हूँ। देखो, मैं चौथी फेल हूँ, इसे कैसे पता ये फोटो भी इंग्लिश में होते हैं क्या? अंकल, यही है वो लड़का। इसमें जो फोटो है वो इसी लड़के का है। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। ए, चुप हो जा वरना इस शेर को चुप कराओगे तुम सबको ऊपर भेज दूंगा मैं। जाना चाहोगे? भेजू। देखते क्या हो, मारो इससे। रुक जाओ। देखिए अंकल, ये मेरी पत्नी को उठाने आया है, मैं देखता हूँ। मारो और निकालो इसे यहाँ से। सॉरी यार, जोर से तो नहीं लगी ना। एक और मुक्का लगता तो वहीं ढेर हो जाता। आप स्वाति से शादी क्यों कर रहे हैं? तू पागल है क्या? भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे दिव्या से शादी करनी है। तो स्वाति किस लिए? वो नाटक का एक हिस्सा है। उसे एक्टिंग आती है क्या? अच्छा है। लेकिन स्वाति का बाप एक नंबर का लालची है। अरे पैसों के खातिर वो अपना जमीर भी गिरवी रख सकता है। कौस्तुभ, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? करनी है। वो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इस घर में जो भी सवाल करे हाँ में जवाब। हाँ, आगे क्या? मार खा। अब बता, तू यहाँ दिव्या के लिए? हाँ। तो सरस्वती का बेटा है। हाँ। उसे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसके साथ शादी करेगा? हाँ, 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 करूंगा। ए, जब इसने सब कुछ मान ही लिया तो बातें क्या कर रहे हो? खत्म करो इसे। एक मिनट रुक जा। इसे मार के क्या फायदा होने वाला है? दिव्या और मेरी शादी इसकी आंखों के सामने होगी, फिर इसके बाप की और इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अब देखता जा, यहाँ मेरी और दिव्या की शादी की शहनाइयाँ बजेंगी और वहाँ तेरे माँ बाप तेरी हार पे रोएंगे। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब तक शादी नहीं हो जाती ये यहीं पर रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सरस्वती को कैसे जानते हो? अरे कैसे पता नहीं होगा, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था सरस्वती के साथ कोई फोटो है तो देख। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, यहाँ बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं। ओह, ये मैं किस चक्कर में फंस गया? कहीं ये लोग भी तो। अरे नागेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, सब नीचे आओ। अरे कहाँ हो सब? आया आया भैया। जी, रुकिए ना। आया, आपने आवाज दी क्या? क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? क्या कर रहे थे तुम लोग अंदर? वो अलमारी बंद हो गई थी, मैं वही खोल रहा था। अरे कहाँ गए, जल्दी आओ। लगता है उसने अलमारी को खोल दिया है, मैं देखकर आता हूँ। मैंने कहा था ना दूरी बना के रखना। चलो सब यहाँ हॉल में सो जाओ। सुना सब लोगों ने, कल से सब हॉल में सोएंगे। मैं चलता हूँ भैया। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अभी से यहीं सो जाओ। लेकिन भैया, भैया क्या है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ? सालों की भड़ास निकालनी है। जा भैया, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। आइए ना, ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं आपके कमरे में सो जाऊँ क्या? क्या कहा? तू हमारे कमरे में सोएगा? अरे यार, आधा खून मच्छरों ने काट काट कर चूस लिया, बाकी इन्होंने। ए, देखो कौन है।
आपका पता कैसे मिला? अबे ओ चपड़ गंजू, तुम्हारा काल आ गया है, अपने काल को अच्छी तरह से देख लो। ए, कौन है तू? मुझे का राग कहते हैं और जली को आग। विश्वनाथ नहीं हूँ लेकिन हूँ उससे भी खतरनाक। नाम है मेरा संकट राव। काम क्या है वो बको? होने वाले दूल्हे को तुमने कैद करके रखा है, ये नाइंसाफी किस लिए? ये रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस ज्यादा है, अगर ये चाहे तो सारे नक्शों से तुम्हारे गाँव का नाम मिटा सकता है। ये ले। डी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला मेंढक। सारा उन मुझे लाके दे दे। जबान खींच लूंगा, बकवास बंद कर। आवाज़। तूने इस कटार की धार और इसके वार को देखा नहीं चपड़ गंजो, लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा। अगर कचुम्बर बनाने पे आ जाओ तो ये मिक्सर ग्राइंडर से भी तेज चलता है। क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरे जोश को तू नौटंकी समझता है? हमारे घर के होने वाले दूल्हे को कैद किया है। इसको ने तो और किसको छाती ठोक के लेने आया हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल रहा तो। ये तो मेरी पोल खोल देगा। मेरी अगली सांस लेने से पहले वो गाड़ी में होना चाहिए और तुम सब उड़न छो, इसलिए छू छू। तन के खड़े होके ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे टिंगू। उंगली छोटी हो या बड़ी, लेकिन साथ मिल जाए तो बन जाती है मुक्का। शादी तक इस लाल टमाटर को भी अंदर रखो, उसके बाद दोनों को समाप्त कर दो। लाल टमाटर? मेरे लिए मेरा खानदान नहीं आया, लेकिन आप इतना रिस्क लेकर मेरे लिए आए, आप तारीफ़े काबिल हैं। तू क्या कह रहा है बे? मैंने तेरे लिए कोई रिस्क नहीं उठाया। तो आपने मेरे लिए रिस्क नहीं उठाया? बोला ना नहीं उठाया। एक बात बता यार, शादी के बाद इन लोग हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे, तो फिर शादी किसकी? कार्तिक की है। तुम हटो वहाँ से। आप मुँह से निकल, तुझसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है यार? भूपेंद्र की बेटी है। भूपेंद्र की बेटी है? हाँ। तो तेरी शादी इसी के साथ है? हाँ। तो वो रिश्ता तोड़ दिया। मैडम को पता चला तो पता है मेरा क्या होगा। वो तुम्हारा सर काटेगी। मैं अभी मैडम जी को सच सच बताता हूँ। मुझ पे हाथ उठाया। इस शादी से तुम्हें कितना मिलता? 2 मिलियन यूरोस मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 3,000 करोड़ देने की सोच रहा था। तो आखिर तुम्हें मना किसने किया? अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे सोचने दो कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। ऐन मौके पे मैं शादी से मना कर दूंगा। जायदाद बचाने के लिए जो इंडियन मिलेगा उससे शादी करनी होगी। पता है वो क्या करेगी? क्या करेगी बोल? वो तुमसे शादी करेगी। सुपरहिट जोड़ी होगी। अब तक मैंने फ्री में सलाह देके कईयों की लाइफ बदल दी, अब तुम्हारी सलाह लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। अनुष्का इज माइन। फ्यूचर वाइफ कॉलिंग। हेलो अनुष्का। कार्तिक से मिले? हाँ मिला। क्या बोल रहा है वो? देखो बहुत जल्द तुम मेरी पत्नी होने वाली। क्या मतलब? तुम्हारी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, तुम हनीमून की तैयारी करो। ठीक है। मेरी तो निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्त, आई लव यू। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही। कहने से क्या होता है, नाम कर दो तुम्हारे। इसे उपहार समझिए, ये घर मैं आपके नाम करूंगा, उसके बाद ही शादी होगी। ठीक है? कर तो नहीं जाओगे? हम वचन तोड़ने वालों में से नहीं। भैया जरा इधर आएंगे। एक मिनट। कार्तिक बेटा, तुम्हें इस पिंजरे जैसे घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अब कहानी में नया मोड़ आएगा, देखते जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी जायदाद सरस्वती के नाम पर कर दी थी, अब उससे वापस कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम अपने गांव की एक जमीन उन्हें दे देंगे, लेकिन ये घर हम उन्हें नहीं दे सकते, ऐसा जाकर कह दो उनसे। क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस वैसे ही। हाँ वो बस घर की बातें चल रही हैं। ये घर भाड़े का तो नहीं है? नहीं, घर तो हमारा ही है, कागजात किसी और के पास है। हाँ। और वो विदेश में रहते हैं, उसे नहीं बुला सकते। अब हाँ। ये क्या नया नाटक है? आपने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, तो ये सब क्या है? कार्तिक ये क्या खिचड़ी पक रही है? अगर घर नहीं दे रहे हैं तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी नाराज हो गए, अब क्या होगा? अरे हमारे गांव में बहुत उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे। ये समझ लो कि जमीन सोना उगलेगी। जमीन से मेरी माँ को क्या फायदा? उनके नाम पे पहले ही बहुत प्रॉपर्टी है, बस गांव में घर नहीं था इसीलिए वो मांग लिया। जरा देखो इस घर को, ये कितना पुराना हो गया है, ये भला कोई रहने की जगह है? देखिए अंकल, आप मेरी माँ को नहीं जानते, 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। माँ ने कुत्ते का पिल्ला मांगा, पिताजी बिल्ली लेकर आए। मेरी माँ को उससे बहुत दुख हुआ, तब पहला दौरा पड़ा। क्या बिल्ली को? नहीं मेरी माँ को। एक बार माँ ने हीरे का हार मांगा था, पिताजी मोती का ले आए, इस बात से भी माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन माँ को दूसरा दौरा पड़ा था।
जरा एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए घर के साथ सेल्फीज ले रही हैं। मेरी माँ को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे दिल से अपना लेती है, वो चीज ना मिले तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। झूठ बोल के नाटक करे, अजीब आदमी है। कह रहा हूँ दिल का दौरा पड़ेगा तो आप नाटक की बात क्या कहा था आपने? झूठ, उसके बाद नाटक। अंकल जी एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक और नाटक। क्या मतलब? अरे जैसे हमने पहले कहा था, जैसे हम अपनी बीवियों को यहाँ पर लेकर आए उसी तरह सरस्वती को यहाँ लाएंगे, दस्तखत करवा के भेज देंगे। समझदार, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को एक और दिल का दौरा पड़े। अरे मेरी बात तो समझो भैया, मान जाइए इसकी माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी। हाँ। वैसे मैं चाहता तो नहीं पर तुम्हारे लिए मान जाता हूँ। थैंक यू अंकल मेरी बात रखने के लिए। सुनो। हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुला के लाओ। मुझे नींद में से क्यों उठाया? हमारे माँ बाप को फोन करो। जाओ। कौन से माँ बाप को? कितने माँ बाप है तेरे? तुम्हारी समझ वाले माँ बाप या मेरी समझ वाले माँ बाप? जो माँ बाप है। अंकल जी ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। हाँ। जरा मेरी माँ को फोन कीजिए। ये तुम्हारी माँ को क्यों फोन करेगा? पिछली बार मेरे पास बैलेंस नहीं था तो इनका फोन इस्तेमाल किया था, अभी भी नहीं है, फोन लगाइए ना। ये लीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, उपेंद्र बोल रहा हूँ। बापू आप? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सुनो, दिव्या की शादी पक्की हुई है, तुम अपने पति को लेकर आ जाओ। हम जरूर आएंगे। सुनो, सरस्वती आ तो रही है लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि ये सब हम सिर्फ एक नाटक के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन सबको वापस भेज देंगे, समझ गए? आपने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। कार्तिक क्या? मेरे साथ आओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मेरी माँ और चाचियाँ ये जानकर बहुत खुश हैं कि मेरे पापा और चाचाओं ने उन्हें अपना लिया है। जब उन्हें पता चलेगा ये नाटक है तो वो जीते जी मर जाएंगी। कार्तिक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इस झूठ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नाटक नहीं करेंगे तो इन्हें साथ कैसे लाएंगे? इतने सालों बाद ये सब एक साथ आए, मैं इस परिवार को खुश देखना चाहता हूँ और अगर उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास करो। भैया भैया, उस लड़के का नाम कार्तिक है और ठाकुर अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है। मैं यहाँ मातम मना रहा हूँ और वो वहाँ शादी की शहनाई बजा रहा है। ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी, समझे? हम सब बिल्कुल ठीक है, आओ। अरे अंकल थोड़ा मुस्कुराइए, नाटक है नाटक। ठीक हूँ, कहो सफर कैसा रहा? अच्छा। बहुत अच्छा रहा। थक गए होगे, अंदर चलो। अनुष्का, ये यहाँ पे? यहाँ पे अचानक कैसे आ गई? लगता है मेरे दिन भर गए। हम दोनों के ही दिन भर गए। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा वरना कहे काम से। हाय बेबी, यहाँ इंडिया में मुझे देख के तुम सरप्राइज हो गए ना? शादी गांव में कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया? जगह कितनी अच्छी है, इतने दिनों में एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। ये लड़की कौन है? मेरी होने वाली बहू है। हाँ हूँ, और मेरा नाम है अनुष्का, है ना बेबी? और कोई नहीं मिली? फिर नाम है, गर्दन क्यों हिला रहे हो?
कसरत कर रहा हूँ। आंटी, क्या ये सब इस घर के नौकर हैं? कपड़े तो अच्छे पहने हैं। अनुष्का, ये घर के बड़े हैं, इनके पाँव नहीं छुओगी? थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की है। नाइस टू मीट यू। हमारी शादी के लिए घर अच्छे से सजाना। सब अंदर चलो। तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। तुम तो मुझ पे कहर ढा रही हो। मैंने कार्तिक को लाने के लिए भेजा था, वेकेशन पर नहीं, यू इडियट। दांत दिखा के हंस क्या रहे हो तुम? तुम एक मिनट अंदर आओ, तुम्हें दिखाती हूँ। बाय कार्तिक। बाय कार्तिक। अकेले में अंदर बुलाया है, निकल पड़ी। जीती रहो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों बाद यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, अनुष्का को यहाँ क्यों ले आए? वो बात ये है ना बेटा, बापू ने फोन किया था। हाँ? प्लान कामयाब हुआ, कार्तिक शादी कर रहा है। अच्छा, आप टिकट बुक करिए। हाँ, मैं पैकिंग। हाँ? करती हूँ। कार्तिक शादी कर रहा है मतलब? हम चाहते हैं कि कार्तिक की शादी विदेश में नहीं बल्कि गांव में होनी चाहिए, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो हम इंडिया। अगर मैं यहाँ हूँ तो शादी किससे करेगा? ये क्या कह रही हो, तुम्हारी भी तो टिकट बुक करेंगे। तुम्हें फोन लगा रहे थे। गांव में शादी? मुझे तो ये बात सुनकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। अंकल, ये आप कार्तिक को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। अभी एक और मुसीबत को झेलना होगा। ये कैसी है? वैसे मुझ पे कौन सा रंग जचेगा? लाल रंग, वो भी आपके गाल पे। कोई रंग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ यार। ये लीजिए भाभी, आप अच्छी लगेंगी। वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। चलो दुल्हन को बुलाओ, आके साड़ी पसंद कर ले। अरे बाप रे, ये दोनों एक साथ? फुलझड़ी है वो। अरे पहले जाके अनुष्का को संभाल, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। चाचा। मैडम जी रुकिए। क्यों, क्या हुआ? यहाँ के संस्कारों के हिसाब से आपके कपड़े कुछ ठीक नहीं है मैडम, आप पूरे कपड़े पहन के आइए ना। मैं ये वाली ये साड़ी कैसी लगी? सच कह रही हूँ। जरा दिखाओ, ये क्या है? दुल्हन के लिए ये साड़ी? मेरी नौकरानी भी ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे यही पसंद है। तुम्हारी पसंद पूछी भी किसने? ये मुझे नहीं पसंद। दुल्हन ऐसी चीप साड़ी पहनेगी? कितने की है ये? 50,000 की है। क्या? दुल्हन की साड़ी 10 लाख से कम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ साड़ी नहीं, हर चीज महंगी होनी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्रैंड वेडिंग। गुस्से में भी ये पटाखा लगती है रे। ऐसे ही घूरते रहे तो आंखें बाहर निकल आएंगी। सही कहा, मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। तुम दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखना है। यहाँ शादी करने के लिए कितनी एक्साइटेड टीम है, पर यहाँ आके देखा तो शादी के घर से ज्यादा ये कोई चिड़िया घर लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों। मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। छोड़ो, ये पावली कम है। ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ए, होने वाली पत्नी को काबू में रख। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, शादी के बाद मैं उसे काबू में रखूंगा। अरे तुम्हारी पत्नी को ये क्यों काबू में रखेगा? मर गया। बुजुर्गों के पास तजुर्बा ज्यादा होता है ना, काबू में आ जाएगी शायद। चल निकल। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप छोटी छोटी बातों पे भड़कते क्यों हैं? मैं तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे माँ बाप डांटते तो फर्क पड़ता, ये तो मेहमान है, छोड़िए। वैसे ये साड़ी अच्छी तो है, क्यों? नहीं, वो लड़की सही कह रही है। पता है मेरे घर की नौकरानियाँ ऐसी साड़ियाँ पहनकर सब्जी खरीदने जाती हैं। पोछा लगाने के काम आएगी ये। सुनो, इस साड़ी को कल बाई को दे देना, वो इससे पोछा लगाएगी। पापा ये क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा तो? मैं भूल गया बेटा। और सुनो, ये तो हम बाद में देखेंगे। घर का क्या हुआ? 2 दिन बाद शादी है, रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसल, ऐलान करता हूँ मैं। उससे हस्ताक्षर जल्दी करवाने हैं। हमारी बदसुलूकी वो भूली नहीं होगी। आपने ही ये घर उसके नाम किया था, अब वो वापस क्यों देगी? उससे जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी गई तो उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे हस्ताक्षर करवाएंगे। जरा ये पकड़िए। आइए ना, आइए ना। मैं आपके पास ही आने वाली थी, सबको उपहार देने ना। ये आपके लिए, और ये है ना, ये तुम्हारे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। पिताजी ने तुम्हें अनाथ समझकर ये घर तुम्हारे नाम किया था, अब भैया को ये घर किसी और को देना है, इसलिए
तुम्हें कागजात पर दस्तखत करने होंगे। अरे ये बात है, आप जहाँ भी कहेंगे ना, मैं उन कागजातों पर दस्तखत कर दूंगी। आप कागजात बनवा लीजिए। हमें जायदाद की कोई लालसा नहीं है। हम चाहते कि बस आप पुरानी बातें भूल जाएं। आपने इस अनाथ का इतने लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और एक ही पल में पराया भी कर दिया। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब इसने आप सबको याद नहीं किया होगा। खुद को कोसती रही कि इसकी वजह से परिवार टूट गया, और इसी बात की हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मन बड़ा करके माफ कर दीजिए। आपने जब हमें शादी का न्योता दिया, इस घर में आने दिया, तब इसके मन को एक अलग ही सुकून मिला है। वैसे भी इस जायदाद पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है पापा। ठीक है, तुम दस्तखत करके यहाँ से जा सकती हो। आओ चले। एक मिनट, क्या देखा आपने? उसे इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं। इतने सालों से हम उसे गलत ही समझते आए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में हमारे लिए इज्जत ही है। तुम भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? कल्याणी, ये उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। तुमने जो धोखा दिया था ना, उसे हम अब तक झेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे पतियों ने हमें अपनाया है। जाओ, इसे अपने पास ही रखो। एक मिनट माँ, आपको पता भी है कि आप सबके पतियों ने आपको क्यों अपनाया है? इनकी वजह से। रहने दो, मुझे कहने दीजिए, आज मैं सच बताकर रहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। सच उगल दिया? तुम औरतें कोई राज ही नहीं रख सकती। मुझे बताना पड़ा कार्तिक, क्योंकि ये लोग। जानता हूँ, सब सुन लिया मैंने। देखिए आंटी, मेरी माँ से एक गलती हुई है जिससे आपको अपने पतियों से 20 साल दूर रहना पड़ा, लेकिन इस एक बात की वजह से मेरी माँ हर दिन खुद को कोसती है। उसी गलती को सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, और इन्हीं के कहने पर मैंने आपको अपने पतियों से मिलवाया है। मुझे उम्मीद है अब आप इन्हें माफ कर देंगे। हमें क्षमा कर। ऐसा मत कहो, बिना सच जाने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, तुम्हें इतनी कड़वी बातें सुना दी। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? और मुझे भी माफ कर दो। ये तुम्हारे। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब सॉल्व करते हैं तुम्हारे पतियों की प्रॉब्लम। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अन्नु बेबी की बहुत याद आ रही है, जाके मिल के आता हूँ उससे। ओ मेरी जान, आखिर ये तूने चादर क्यों ओढ़ ली है? आशिक से भी क्या शर्माना है ये कमसिन काया। जाने जाना क्यों, मेरे छूने से गुदगुदी हो रही है क्या? ये पक्का? ये क्या? कमाल है, मेरे छूने से झटका लगा तुझे? मेरे हाथ में बिजली का करंट है। जाने मन, जब से मैं इस घर में आया हूँ, दिन और रात तुझे अपनी आगोश में लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती हो जानू। क्यों, सही कहा ना? अब आ भी जाओ। आजा मेरी जान, आजा। मेरे बाप रे, ऊर की जगह लंगूर। अब बोल, क्या बोलूं? इनमें से किसे छेड़ने आया था? किसे समझ कर मेरे पास आया था? नहीं, नहीं, सच बोल, कितनी पिया तूने? क्वार्टर पिया है या कमरा? मारो उसे, मारो। नहीं, गिरे हुए हो, बोलो। कमरे में क्यों गए थे, बोलो, बताओ। कमरे थे, बोलो वरना गला दबा दूंगी। चुप। कैसे बताऊं कि तुम्हारे लिए आया था? ऐसे गिरे हुए इंसान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मारो उसको। क्यों मारे उसे, क्या हुआ? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है। मेरे कमरे में कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। एक मिनट रुक जाइए, मैं बात करता। अबे ठरक को कंट्रोल में रखता। क्या करूं कार्तिक,
जब से तूने मुझे उसके सपने दिखाए मैं बहक गया हूँ, जैसे शेर लोमड़ी को देखने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इनकी शक्लें देख, मार देंगे तुझे। कहानी बना के निपटा दे इसे। अच्छा तो ये बात है, अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? अंकल जी इसे एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है बेटा? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे नींद में चलने की बीमारी है। अगर गलती से किसी हीरोइन का सपना देख ले तो नींद में घर में उसे ढूंढना शुरू करता है। क्या ये सच है? जी हाँ, कभी कभी तो मैं भैंसिया को भी हीरोइन समझ के लिपट जाता हूँ। चुप बैठो वरना। चलो जाओ सब। ठरकी, ये सब क्या है संकट राव? मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो तेरी ज़बान हीरो बनता है। चला मुझे धकेलता है। क्या कर रहे हैं? यार मुझे संकट राव ये क्या बोल रहा है? मैं शांत हो जाओ। तेरे आने से पहले इन्होंने मुझे बिना साबुन के धो धोया। क्या बताओ कहाँ का दर्द हो रहा है। उन फूलों को हेलो अंकल, वहाँ पीछे आंगन में दिव्या को हल्दी लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? हल्दी पहले मुझे लगनी चाहिए, उसे क्यों लगा रहे हैं फिर? मुझे भी हल्दी लगाओ, मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो जाके खुद ही हल्दी लगा लो। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आज तो ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। हल्दी तो इस पे नजर रखो, फिर शुरू हो गई ना। यहाँ क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता। कार्तिक क्या है ये सब? ए, हर बात कार्तिक से क्यों पूछती हो? आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूं। अंकल मैं देखता हूं। तुम रुको, मैं देखता हूं। क्यों अनुजिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या स्पर्श था, मजा आ गया। बोलो दुल्हन कौन है, मैं या वो? वाकई में दोनों है। हा? देखो अनुष्का, ऐसी शादियों में दो लड़कियों को सजाते हैं, एक होती है दुल्हन और एक होती है उसकी सहेली। अब अगर वो दुल्हन है तो तुम उसकी सहेली हो, और अगर तुम दुल्हन हो तो वो तुम्हारी सहेली है। इसका क्या मतलब हुआ? जो दुल्हन नहीं वो सहेली है, एक सहेली एक दुल्हन। ओके, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये दुल्हन नहीं दुल्हन की सहेली है। आ जाओ अनुष्का, तुम्हें भी हल्दी लगा दूं। ये विदेश में रही है ना, इसने वहाँ ये सब नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे भी लगा दो। हाँ ठीक है, लगा दो। इस नकचड़ी को यहाँ से जल्द ले जाओ। जबान को लगाम दे, अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो बुरा होगा। जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि दूल्हा है तो तैयार होने में समय लगेगा ना। अच्छा, जाओ जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी। चलो अनुष्का। ॐ गणनाद्वा गणपतिं हवामहे कविङ्कवेनामुक्मस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदिभिश्चेदसाधनो लक्ष्मीं चेर। काश बलि भैया भी आज यहाँ होते। बहन जी अब आप लड़की को बुला लीजिए। साथ में ये क्यों आ रही है? क्योंकि भैया वो दुल्हन की सहेली है। दुल्हन की सहेली। बेटी तुम बड़ों का आशीर्वाद लो। दिव्या रुको। दिव्या उनके पैर क्यों छू रही हो? मैंने ही कहा था जब तक मेरी पत्नी आएगी तब तक आशीर्वाद लेने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा, इसलिए। अरे अपनी बीवी को अपने पास रखना क्यों नहीं सीखते? तू मत बोल, डराने की जरूरत नहीं है। डराने की बात, तुम चुप बैठो। मुझे बोल रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये तो मुझे भी करना है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अब ये क्यों उनके पांव छू रही है? वो दुल्हन की सहेली है ना। अब लड़की को बुलाइए। Oh, you're so cute. एक बात बताओ, ये तुम्हारी पप्पी क्यों ले रही है? ये विदेश में बहुत ही आम बात है अंकल। हमारे देश में हम पैर पड़ते हैं या हाथ मिलाते हैं, वहाँ ऐसे गले पड़ते हैं। अगली बार से मैं भी यही करूँगा। मेरा जानू। डबल सीट बैठ के खुश हो रहा है? ठीक है बेटा ले ले, तेरे दिन है, आगे मेरे भी आएंगे। अरे लड़की के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहा है ये भांजा मेरा, और ये लेटे लेटे हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहा है।
तो क्या तय हुआ? कुछ तय नहीं हुआ, आप आइए। 5 लाख का बिल हो गया, कब तक चुकाओगे? पैसे नहीं हमारे पास। एक सलाह दूं? वो क्या? इनकी दोनों किडनियां बेच दीजिए, 5 लाख मिल जाएंगे। है? और ये सारी मशीनें ऑफ कर देता हूँ, आप पर नाम भी नहीं आएगा। यही बेस्ट ऑप्शन है। एक और फायदा भी है, वो भी बताओ। इसका सारा काला धन फिर आपका हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ, आप जाइए। हम किडनी बेच देते हैं और सबके लिए स्मार्टफोन ले लेते हैं। इसका भेजा तो किसी काम का है नहीं, उसका हम क्या करेंगे? उसे हम कबाड़ी को भेज देंगे। याद है ना, इसके चक्कर में कितनी धुलाई हुई है हमारी। क्या कह रहा है, है? क्या है, स्मार्टफोन नहीं चाहिए? वो मैं ले लूंगा। अरे पीछे तो देखो। अरे भांजे, होश आ गया। दिव्या कहाँ है? वो तो गाँव गई, उसकी शादी होने वाली है। नहीं होनी चाहिए। हो रही तो हम क्या करें? उसे अगवा कर लो। नहीं कर सकते भांजे, क्योंकि हमारे पास जाने के भी पैसे नहीं है। लंबू टेंगू को बोलो अगवा करने के लिए। अरे रे, क्या हुआ? कट जाएगी। बूढ़ा नहीं हूँ मैं। अरे मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रहा था, बुरा मान तुम के। बात ही ऐसी करते हो। अरे जय बजरंगबली। छोटे ये रख ले, इतने सारे पैसे। खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को अगवा करना है। अगर मैं फंस गया ना तो तुम शहर छोड़कर सीधा गांव चले जाना। ज्यादा फेंको मत, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब की बार काम एकदम जमा के करना होगा। मुझे क्यों मारा? गाल पे मच्छर था। ठीक है चल, काम पे ध्यान दे। जोर से तो नहीं लगा। चल अब सब सो गए होंगे, काम करते। बिजली बिल्कुल सही वक्त पर गई है, अब आएगा मजा। मुझे तो डर लग रहा है भैया। अरे डर के आगे ही बीवी है। सुबह शादी के बाद भैया उन सबको उनके घर वापस भेज देंगे। हमें जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। और भैया का क्या? अरे उन्हें भूल जा। और ये देख, बेहोश करेंगे क्लोरोफॉर्म से, इसे लगाते ही वो बेहोश हो जाएंगी। उसके बाद तो मौजा ही मौजा। कमाल का प्लान है। बड़े भैया, ये दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? तू ना घोंचू का घोंचू ही रहेगा। दुल्हन के हाथ में मेहंदी और पैर में पायल होगी, उसी को उठा लेंगे। इतना सब कैसे जानते हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाओ। लगता है ये नींद में बड़बड़ा रही है। अरे इसके चक्कर में बाकी सब भी उठ जाएंगे। दुल्हन यहाँ नहीं, अंदर कमरे में होगी। चलो। नहीं छोटे, इन्हीं में से होगी। अरे दुल्हन सबके साथ ऐसे जमीन पे नहीं सोएगी, अंदर बिस्तर पे सोएगी। जरा दिमाग लगाओ और चलो। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? तू जा, मैं नहीं जाता। यही तो मुसीबत है, तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, मनमानी करते हो। अंदर चलो। नहीं आऊंगा। उठो साक्षी, जल्दी उठो। अब क्या काम है? अरे उठो ना। क्या हुआ? चलो मैं बताता हूँ। चलो। इसमें से मेरी कौन सी है? हाँ ये है, ये ऐसे अपनी शक्ल दिखाएगी चीटी काट के। अरे मीनाक्षी तुम यहाँ पर हो? क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? चलो मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अरे उठो भी। क्या है, सोने दो ना। अरे तुम और कितना सोओगी मीनू? चलो ना, बहुत रात हो गई है। चलो ना। नहीं ना, ना, चलो ना। नहीं। वरना मैं चला जाऊंगा। ये कौन है? क्या पता, वो मेरा भाई था। अब ये कौन है? उसका भाई है वो, सोने दो। कृपया करके तशरीफ उठाएं और मेरे साथ आएं। आज मेरी प्लानिंग है पूरी, हमारी प्रेम कहानी नहीं रहेगी अधूरी। कोई आया अगर बीच में तो निकलेगा उसका दम। इसे कहाँ भगा के ले जाए? वो कहीं कुछ नहीं, देखो ये बड़े भैया से मत कहना। अरे बाद में देख लूंगा, अब ले जा रहा ना, ले जा। अब ये कौन है? इकलौती पत्नी है, समझ जाओ। ओहो इकलौती पत्नी है, तो नेक काम में देरी मत कर, निकल यहाँ से। सब डबल सीट जा रहे, मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो छोटे। हाँ बोलो बड़े, क्या बात है? छोटे तू ही है ना? और कौन होगा? अरे तूने अभी तक चाय का पैसा नहीं दिया। 10 रुपए के लिए क्यों रो रहे हो? जल्दी से दुल्हन को ढूंढो वरना दोनों पकड़े जाएंगे। फोन रखो। ए, कार्तिक तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? कल सुबह हमारी शादी है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हैं डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए। ये कौन कहता है? मैं। यहाँ तो प्यार का फव्वारा उड़ रहा है, हम तो एक बूंद के लिए तरस गए हैं। मेरी बाथटब कहाँ है? स्वाति, स्वाति। पता नहीं कब आएगा मेरे सपनों का हीरो। मेरी तो किस्मत पिचकी हुई है। चलो तुम उठो मेरे साथ चलो। अचानक बिजली कैसे चली गई? क्या हुआ होगा? फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देखता हूँ। जाओ देखो। ओ ट्रिप हो गया। अरे लंगूर आ रहा है। भूमि प्रिया, भूमि प्रिया।
अब कहाँ जा रहा है? भूमि प्रिया को ढूंढ रहा हूँ, आज रात की वही हीरोइन है। अबे ये क्या हुलिया बना रखा है? ये हुलिया? प्यार भरा गीत गाने के लिए मैं इसी हुलिये में जाता हूँ, अच्छा है ना? और हाथ में ये क्यों है? अनजाने मच्छर मारने के लिए। चल भाग। जाता हूँ। उस तरफ दफा हो। अरे बच गया रे, बुजुर्ग मरता है। ये रोशनी अचानक कैसे आ गई? इसे फिर से किसने ऊपर किया? रोशनी इज गॉन, मस्ती इज ऑन। कहाँ हो, कहाँ हो? देख लेगा तू? ए, तुम लोग कौन हो? दूल्हे के दोस्त हैं। दूल्हा मैं हूँ। तो फिर हम दुल्हन के दोस्त हैं? सच सच बताओ, क्या चुराने आए हो? दूल्हे भैया बताओ ना। वो हम कोई चीज चुराने नहीं, दुल्हन को अगवा करने के लिए आए हैं। बस इस बार हमें माफ कर दो, अब से हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, वादा करते हैं। करना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लड़की ऊपर के कमरे में, जाओ जाके उठा लो। पर आप हमें दुल्हन की सुपारी क्यों दे रहे हो? तुम लोग कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों आया? वो छोड़ो, उन्हें अनुष्का के रूम में क्यों भेज दिया? अरे उसका अपहरण करने के लिए। क्या मतलब? वो यहाँ से जाएगी तभी तो हमारा काम होगा ना। कौन सा काम? हा? अरे भूल गए क्या, कल आखिरी दिन है। कल अगर 12 बजे तक उसकी शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। इन्होंने उसे सच में उठा लिया तो? ये पब्लू, अरे इन्हें मैंने ये आइडिया दिया है कि अनुष्का को उठा ले। प्लान के मुताबिक तुम भी अनुष्का के साथ किडनैप हो जाना और फिर सही वक्त देखकर मंगलसूत्र निकाल के शादी कर लो। सब सेट। क्या बात है, चलो काम पे लग जाओ। कमरे में तो आ गए लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे लगता है अंधेरे में गलत कमरे में आ गए। लगता है कोई आ रहा है, चलो छुप जा। चलो जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है। इतनी भैया फिर तुम्हें भगा देंगे, अकाल पड़ जाएगा। चलो बैठ के नीचे। ए, हम लोग कौन? हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। यहाँ कौन सा कॉकरोच है? हम लोग नट बोल्ट कसने आए हैं। शायद वो आ गए। शोर मत करना। यहाँ क्यों आए हैं? कुछ वक्त के लिए पकड़ लो। मेरे लिए तो। अरे मीनाक्षी ये क्या कर दिया तुमने? खुद पे छिड़क लिया मेरी लूंगी। लगता है इन्हें जोर का झटका लगा है। जिंदगी भर अकेले ही सोना पड़ेगा। अरे यही दुल्हन है क्या? अरे देखना, पैर में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, यही दुल्हन है। एक बार इससे तस्दीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सही कहा तूने। हेलो दुल्हन तुम ही हो ना? निकलो मेरे कमरे से। यानी ये दुल्हन नहीं है? चल, 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 मैं ही दुल्हन हूँ। क्या कहा, तुम ही दुल्हन हो? मिल गई, मिल गई। चलिए बारात आ गई है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? अच्छा लगा? दुल्हन बहुत भारी है भाई। तभी तो मैं उठा रहा हूँ। तुम दोनों चोर हो ना? मैं टिंगू और ये लंबू। हम अगवा करने आए हैं। अपहरण करता? हाँ। अरे वाह, मैंने तुमको देख लिया, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं शोर मचा दूँ तो तुम्हारा क्या होगा? ये तो सही कह रहा है छोटे। तो अब क्या करें? क्या करें? मुझे भी साथ में ले चलो। अच्छा, लगता गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया? मेरी भरी हुई है, लोड डाल देता हूँ। पकड़ पकड़ छोटे। क्या बात है भाई, एक पे एक फ्री। चल ले चल। मुंह क्या देख रहे हो, नकाब निकालो। ए, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या चल रहा है? ये कौन है? अरे यही तो दुल्हन है। ये लड़की दुल्हन नहीं है, दुल्हन कोई और है। चुप रहो, मैं ही दुल्हन हूँ, मेरी ही शादी है। भांजे ये क्या घोटाला है? बस कुछ ही समय बाकी है, अगर 15 मिनट में मैंने शादी नहीं की तो 3,000 करोड़ गए समझो। अनुष्का, सेना और मंगलसूत्र रेडी है। इन सारे मौजूदा लंगूरों में से एक ही अंगूर तुम्हारा मीठा है और वो मैं हूँ। खिलौना नहीं असली है। मंगलसूत्र पहनाओ, मुझसे शादी करो वरना गोली से उड़ा दूंगी। चलो मोहब्बत किसी और। तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मुझ जैसे को छोड़ के तुम इस लंगूर से शादी करोगी? ये तुम्हारा पति तो क्या चपरासी बनने लायक नहीं है? ए, खत्म कर दूंगा। ए, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, तेरा हाथ उखाड़ के अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। मेरे हाथ की धमक से तेरे चेहरे की पूरी चमक निकल जाएगी। प्लेयर को मिडाउन और मिडाउफ से घेर रखा है लेकिन वो भागा। पकड़ो उस जोकर को। पकड़ो उसे, छोड़ ना। ओह माय गॉड। शाम से आना, मैं संभाल लूंगा। सुनिए जी, अब दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या, कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ चली गई। सब जगह देखा। हाँ, देखा। तो अनुष्का को उठाने बोला था, दिव्या को क्यों ले गए?
तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। उसकी शादी मैं अपने छोटे भाई से करवा रहा हूँ। देव, ए, आकर आशीर्वाद दे। मुहूर्त में आधा घंटा बाकी है। अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ और अपनी बेटी को बचा ले। आ, नरसिम्हा के मंदिर में आ। वही रुक, मैं आ रहा हूँ। किसे फोन लगाया था तुमने? तेरे बाप को, वो आ रहा है तुझे बचाने। हंस क्यों रही है? इसलिए क्योंकि अगवा तो बड़ी बहादुरी से किया था तुमने मुझे, तो फोन क्यों किया? बस चुपचाप अपने भाई से मेरी शादी करवा देता ना। अब फोन कर ही दिया है तो भुगतो। ज्यादा जबान मत चला। ए, जब दो लोग मेरी रक्षा कर रहे थे तब कुछ नहीं उखाड़ सका, अब तो रक्षा करने वाला तीसरा भी आ गया है, हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। कौन है वो? मेरा आशिक। अरे जबान बहुत चलती है, उसे भी खत्म कर दूंगा। देख आ गया मेरा आशिक। आप सब रुक जाइए। अच्छा तो तू है इसका प्रेमी, बढ़िया है। अच्छा फैमिली फोटो मिलेगा मुझे। अरे फैमिली फोटो छोड़, तू अपनी फोटो को फ्रेम कर ले, अभी कुछ देर में हार चढ़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस पे हार वेस्ट मत करो। ये क्या उखाड़ लेगा? अबे ओए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुद्दे की बात कर, चला जा। एक वार और तेरा खेल खत्म। आज के बाद मेरे परिवार की ओर आंख उठाकर मत देखना, वरना छोड़ूंगा नहीं। दुश्मनी से किसी का भला नहीं होता। अपने बदले की आग को यहीं शांत कर दे, खुद भी चैन से जी और दूसरों को भी जीने दे। जा। वाह कार्तिक, मुहूर्त का समय भी हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे माता पिता भी आते होंगे, हम फौरन शादी कर देंगे। कार्तिक, कार्तिक। माँ क्या हुआ, आप अकेली, पापा कहाँ हैं? उस बाते को लेकर एयरपोर्ट चले गए हैं, मैंने उन्हें बहुत समझाया, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है और कहा है ये शादी तोड़ दो। आप क्या कह रही हैं? वो क्यों मना करेंगे शादी तो? अंकल एक मिनट, पापा से मैं बात करता हूँ। पूछो उनसे। पापा आप कहाँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरी बात तो सुनिए, पर पापा यहाँ, हेलो, क्या हुआ कार्तिक, क्या बात है? उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि आपको सिर्फ लड़ना आता है, आप लोगों के इस गांव में कई दुश्मन हैं। आज दिव्या की जान खतरे में थी, कल मेरी होगी, परसों मेरे माँ बाप पे कोई आंच नहीं आएगी, इसका क्या भरोसा? मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मेरी बेटी पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी। और उसके लिए मैं अपने पापा के... तुमने मेरी बेटी से प्यार किया तो क्या अपने पिता से पूछ के किया? तो उनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या इससे उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी,
जो माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझते उनसे पूछे बिना ही शादी करना अच्छा। ये तो धोखा देने जैसा होगा ना। कोई धोखा नहीं है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, बस प्यार किया है और जिससे प्यार किया उससे शादी कर रहे हो, आखिर इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं। फिर से कहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो सालों पहले मेरी माँ ने जो किया था वो गलत कैसे हुआ? तुम्हारी माँ? माँ ये तुम्हारी माँ है? माँ बाप को अंधेरे में रखकर शादी करो। आपने कहा कि माँ बाप प्यार को ना समझे तो उन्हें धोखा देना भी जायज है, तो आपकी ये राय मेरे माँ के मामले में क्यों बदल गई? कमाल है, मुझे ठीक से जाने पहचाने बिना ही दिव्या के लिए आपने मुझे चुन लिया था, पर मेरी माँ ने उनका जीवन साथी अच्छी तरह परख कर ही चुना था, तो मेरी माँ के फैसले को क्यों ठुकरा है? आपकी बेटी से शादी करने से पहले मैंने आपके सामने एक शर्त रखी। उस शर्त को पूरा करने के लिए आपने सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मेरी माँ को घर लाया ना? जानते हैं क्यों लाया? क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जो सोच अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं वही सोच अगर सालों पहले मेरी माँ के लिए रखते तो आज हम सब साथ होते। मेरे माँ बाप ने प्यार की खातिर जो कदम उठाए वो गलत थे ही नहीं। आपकी एक गलती की सजा आपके भाई और पत्नियों को भुगतनी पड़ी। मैं यहां आपको धोखा देने नहीं आया था और ना ही आपको गलत साबित करने आया था, पर मैंने सालों से अपनी माँ को अपने आप को कोसते हुए देखा है और फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि दिव्या से शादी करके मैं सबको साथ लाऊंगा सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। मेरी माँ जैसा कोई बचपन से ही अनाथ हो तो उसे पालने वाला उसकी ताकत है। आपको फिर से उसकी ताकत बनना ही होगा। और एक आखिरी बात, मैंने दिव्या से प्यार का नाटक नहीं किया, मुझे उससे सच्चा प्यार है, और अगर आपने हम दोनों को जुदा करने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप ये समझते तो अपनी पत्नियों से ऐसे दूर नहीं रहते, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अगर मैं कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूं तो आप घर से निकाल देते। अगर आज आपके बेटी की बात ना होती तो आप मेरी बात नहीं समझते। आपकी आंखें खोलने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, आपका गुरूर तोड़ने के लिए, ताकि आपको अपने किए पे पछतावा हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तक जो हुआ उसे भूलकर एक बार मेरी माँ को माफ करके देखिए प्लीज। भैया आओ सरस्वती। मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना ही मैं तुम्हें कसूरवार समझता हूँ। अपने बापू को माफ कर पाएगी? मुझसे माफी मत मांगिए, अगर मांगनी ही है तो बल्ली से मांगिए। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं अपनी जान दे चुकी होती। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती बल्ली, मुझे सच बताने दो। जब आपने मेरी शादी बल्ली के साथ तय की तब कार्तिक मेरे पेट में था। मैं किस मुंह से आपको ये बताती, तो मैंने बल्ली को बता दिया। मेरे कहने पे उसने शादी तोड़ी, फिर मेरी शादी कुमार से करवा के मुझे बदनामी से बचाया।
उसने मेरी खुशी की खातिर इतने सालों तक आपको कुछ नहीं बताया और आपकी नफरत झेली। आपने मेरी सजा उसके परिवार को दी। आपके गुस्से की वजह से परिवार में दरार पड़ गई। बल्ले ही आपका सच्चा दोस्त है, आप उनसे माफी मांगिए। उसने धोखा नहीं दिया, उसे माफ कर दीजिए। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना, उसी समय मुझे एक चांटा मार देते और कह देते कि तू गलत कर रहा है। इतना पराया समझा मुझे तूने दोस्त। दोस्त, ये लफ्ज सुनने को कान तरस गए थे मेरे। तुम्हारे साथ मैंने जो किया, इसके साथ वो गलती नहीं करूंगा। अगर इसे लड़का पसंद नहीं तो शादी नहीं होगी, ठीक है ना कार्तिक? हाँ मंजूर है। क्यों बेटी, तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? वो पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कहानी में नया मोड़ कहाँ से आ गया? वो कौन है बेटी, मुझे बताओ। पापा वो यही है। आज बड़ी खुशी का दिन है, एक तो पुराने यार फिर से मिल गए और बेटी को इतना अच्छा पति मिला, तो जश्न होगा। अब कौन फोन कर रहा है? अनुष्का, हेलो। आई एम सॉरी कार्तिक, तुमसे शादी नहीं कर पाई ना, बस इसीलिए। हो सके तो मुझे भूल जाना। अब मेरा क्या होगा? तुम भी शादी कर लो उस दिव्या से। मैंने शंकर से शादी कर ली है। ठीक है। अरे अगर इसने किसी और से शादी की तो संकट राव का क्या हुआ होगा? हेलो हेलो, हाँ वो बटकलू, हम अंतरिक्ष में हैं बाबा, 100 साल बाद फोन करना है। पीछे देखो। अभी तो हाथ दिखा रहा है, पता नहीं बाद में लात दिखाएगा।